girls with their nails done now. Girls with their nails done.
eyebrows with their nails done now. Girls with their nails done.
girls with their nails done now. तो हेलो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है लिडोमा इंडिया प्रेजेंट्स क्लैश वॉर्स के अंदर। आज एक यूनिक मैच है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, एक क्लैश वॉर होने वाला है टीम ओरैंगुटान एलीट बनाम टीम निग्मा गैलेक्सी का। तो आज मेरा नाम है स्ट्राइक, मेरे साथ जुड़ेंगे डेक्स पे जैक। एंड जैक, कैसे हैं आप एंड इस कमाल के क्लैश वॉर बैटल के लिए कितना एक्साइटेड है? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ और एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ, बिकॉज थाईलैंड की कमाल की टीम निग्मा गैलेक्सी के साथ पूरा क्लैश वॉर हो रहा है जिसको प्रेजेंट कर रहा है लिडोमा इंडिया। मजा आने वाला है। बट स्ट्राइकर बताते चलिए कि आप कैसे हैं। मैं तो बहुत ठीक हूँ एंड लाइक मैं हम पीछे बात भी कर रहे थे इस बारे में कि मजा आएगा थाईलैंड वर्सेस इंडिया का। दर्शक यहाँ पे चैट में कब से बातचीत भी कर रहे हैं कि टीम ओ जीतेगी, कोई बोल रहा है टीम निग्मा गैलेक्सी जीतेगी। तो फैंस ऐसे लगे रहिए, मजा आएगा कि देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स जुड़ने वाले हैं इन दोनों टीम में से, क्योंकि प्लेयर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स की वजह से ही ये जो कॉन्टेस्ट है इतना कमाल का बनता है जैक। या बिल्कुल, टीम लाइनअप्स की बात कर ली तो ओरैंगुटान से खेलेंगे पहाड़ी मिस्टर जय ओल्ड मॉक एंड आमीन, एंड वही निग्मा गैलेक्सी से खेलेंगे कहीं ना कहीं कार्मेनो एंड साथ FIWGD स्टॉप एंड साथ साथ ड्यू भी खेलने वाले हैं। सो मजा आएगा। एक लेकिन यहाँ पे एक नई लाइनअप है निग्मा गैलेक्सी। वैसे आप स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, फीलिंग्स पे जाइएगा, निग्मा गैलेक्सी यहाँ पे रहने वाला है। सो मजा आने वाला है, टीम लाइनअप देखने को मिल चुकी है। बट गैलेक्सी ओके, सो अभी के देखते हैं किस तरीके से ओरैंगुटान ये देखिए, आई थिंक सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक काफी अच्छी टक्कर वाला मैच है। दोनों इंटेंशनली एक दूसरे को लेके यहाँ पे बीटअप करना चाहते हैं, बट कौन एट द एंड यहाँ पे चार मुकाबलों में से कौन अच्छे खासे लेके यहाँ पे फाइट्स को टेक ओवर करता है वो देखा जाएगा। अगर दोनों के साथ पूरा मैच फिनिश हो जाता है एक टाई के साथ, तब भी मैं देखना चाहूंगा क्या होता है स्ट्राइकर। मजा आएगा, चार मैचेस रहने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छे से खेलती नजर आएगी। एंड टाई होता है तो वो थोड़ा सा और वो रहेगा कि टाई हो गया, दोनों ही प्लेयर्स एंड टीम्स खुश रहेंगे, लेकिन फैंस के बीच में वो टाई के बाद बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन पहला मैच आज का कुछ ही देर में यहाँ पे जरूर से स्टार्ट होने वाला है। तैयार है प्लेयर्स, टीम्स कहने की दोनों ही तैयार रहते नजर आने वाले। लेकिन ये यूनिक लग रहा है थोड़ा सा, एक वो एक इंटरनेशनल सीएस बैटल हो जाएगा। हम तो इंटरनेशनल टीम्स का बैटल देख रहे हैं फुल मैप में लिडोमा इंडिया के चैनल पे ही जैक, लेकिन अभी सीएस के अंदर ये बैटल होगा। थोड़ा सा यूनिक लेकिन एक्साइटिंग है एंड देखते हैं कि कौन सी टीम कितना ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रिपेयर होकर आई है। यहाँ बिल्कुल देखा जाएगा कौन सी टीम एक दूसरे के खिलाफ कितना प्रिपेयर होकर आई है। बट यहाँ मैच स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ी आगे बढ़ेंगे एंड पहाड़ी के पास इनिशियली आपके पास सिर्फ 1500 कॉइन्स होते हैं, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे टीमें लूट कप कर रही हैं। और यहाँ अगर आप देखें मिस्टर जय के पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक डेजर्ट ईगल हो सकता है, और वही ओल्ड मॉन्क आमीन इनके साथ रहने वाले हैं। अचीवर से आमीन बेसिकली खेलते हैं, बट आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ फॉर्मेट हो रहे हैं, टीम ओरैंगुटान के साथ फॉर्मेट हो रहे हैं और टीम बनाना चाहते हैं, मतलब जितना टफ एक लाइनअप बन फॉर्म हो सकता है ना उतना टफ बनाना चाहते हैं। एंड आमीन यकीनन वो टफ लाइनअप के लिए सबसे पहले लेके यहाँ पे आते हैं, बिकॉज आमीन का वो जो एग्रेशन है अचीवर्स के अच्छा देखने को मिलता है, उनको पिक किया गया इस पूरे मैच के लिए। बट वहीं अगर आप बात करें दूसरी एंड पर, ये कमाल की लाइनअप रहने वाली है, कामिल फिगोट रहने वाले हैं एंड मैन स्टॉप एज वेल, बट थोड़े बहुत थ्रोएबल्स आते दिखाई दे रहे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बट पहाड़ी को इनिशियली काफी ज्यादा डैमेज दिया गया है, पहाड़ी यहां से कोई भी गलती करना नहीं चाहेंगे, गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए पहला नॉक पहाड़ी ने ही निकाल लिया है सामने की तरफ। ओल्ड मॉन्क एक अलग डिफरेंट एंगल कहने की जरूरत से कैप्चर करते नजर आते हो। फिलहाल पहाड़ी अपर एरिया में है, थोड़ा सा डैमेज्ड यहां पे देखने को मिल रहे हैं, मेडिकेट्स की शायद से कमी हो सकती है उनके पास। लेकिन टीम ओरैंगुटान एलीट एडवांटेज ले चुकी है क्योंकि सामने उन्होंने ड्यू को एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से मैन पावर इनके पास रहेगी। ओल्ड मॉन्क ने भी एक और नॉक कहने की जरूरत से सिक्योर कर लिया है।
टीम निकमा गैलेक्सी थोड़ी सी दिक्कत में नजर आती है क्योंकि इनके अभी के लिए यहाँ पे वो दो ही सर्वाइवर्स बाकी। जी हाँ बिल्कुल, निगमा गैलेक्सी के केवल दो ही सर्वाइवर्स बाकी है, बट दूसरे ओरैंगुटन के भी दो ही बाकी रहने वाले हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से यहाँ पर एक फिनिश भी हो चुके हैं पूरी तरीके से, आमीन भी शायद फिनिश हो जाएंगे, बट दूसरी ओर टीम निगमा गैलेक्सी का एक ही प्लेयर ऐसा है जो कि अपने पैरों पर खड़ा है और दूसरा प्लेयर पर लेटे हुए हैं। ओल्ड मॉक ट्राई करे, एक आखिरी खिलाड़ी के ऊपर शॉट फायर किया गया है, दिस मैन इज ट्राइंग अ लॉट बट ओल्ड मॉक का शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया उस ओर। ओल्ड मॉक अभी भी ट्राई कर रहे हैं प्लेयर यहाँ से बैकअप लेना चाह रहे थे, बट वो डेजर्ट ईगल काम नहीं आएगी। ट्रिपल किल के साथ ये खिलाड़ी ओल्ड मॉक पड़ा है, पूरी टीम निगमा गैलेक्सी पर भारी। इसी के साथ 1-0 से बढ़त बना चुकी है टीम ओरैंगुटन एलीट, पहला राउंड जीत लिया है, शुरुआत बढ़िया कर लिया टीम ओरैंगुटन एलीट ने। लेकिन टीम निगमा गैलेक्सी भी चाहेंगे कि वापसी करें एंड बता दें कि हाँ है हम, एंड वापसी होगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। बस वो पहला राउंड ही हुआ है, टीम ओरैंगुटन एलीट के पास बढ़िया लूट रहेगी, लेकिन ओल्ड मॉक इज द वन जिन्होंने कमाल का खेला है। 3 kills अकेले प्लेयर के द्वारा निकालना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन इन्होंने उस चीज को अंजाम देने में आसान बना दिया। फिलहाल टीम निगमा गैलेक्सी के प्लेयर्स को हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे की तरफ क्लोज इन करते हैं। यहाँ पे नजर आने वाले स्टॉप एक अलग एंगल कैप्चर कर रहे हैं चारों तरफ से। टीम निगमा गैलेक्सी चाहती है जैक फिलहाल की हम हर एक एरिया को कैप्चर करें एंड हर एक एरिया पे हम हमारी नजर रखें, लेकिन इसकी वजह से इनके प्लेयर्स थोड़े से स्प्लिट भी हो जाएंगे एक दूसरे से, जहां से कवर देना एक दूसरे को थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। जहाँ बिल्कुल मुश्किल बन सकता है, बट देखा जाएगा किस तरीके से मुश्किलों का सामना करते हुए प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए कोई भी हड़बड़ाहट नहीं कर रहा है, लाइक कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स। 3 players यहाँ पे यूनाइट वे में परफॉर्म कर रहे हैं, चौथा खिलाड़ी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसी और प्लेस पर स्टैंड करो, बट पहाड़ी ऊपर जाना चाहते हैं। एंड पहाड़ी का ऊपर जाना क्या एक सही डिसीजन हो सकता है, वो तो एंड में पता चल जाएगा अगर पहाड़ी का ऊपर जाना एक कारगर साबित होता है तो। बट यहाँ रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड जरूर से रहने वाले हैं एक अच्छे प्लेस पर अपने आप को एक हार्ड कवर के पीछे रखते हुए, बट दूसरी ओर ड्यू को नॉक लिया गया है, प्लेयर अब कॉन्फिडेंट होंगे। ओल्ड मॉक भाई दिस मैन, ये बंदा नहीं रुकेगा, और भी प्लेयर्स को ऊपर शॉट फायर किया जा रहा है। मिस्टर जय बहुत आ चुके सामने की तरफ से निगमा गैलेक्सी, मुझे लगता नहीं कि टिक पा रही है, मतलब स्टैंड भी नहीं कर पा रही, ऐसा सिनारियो बन चुका है। Look at that, निगमा गैलेक्सी का एक और प्लेयर नॉक हो जाएगा एंड काफी डिफिकल्ट हो रहा है निगमा गैलेक्सी के लिए। बट अगर मैं सोचूं निगमा गैलेक्सी के पर्सपेक्टिव से भी, हो सकता है निगमा गैलेक्सी के पास लूट कम है, कुछ ऐसे सिनारियोस बन रहे हैं कि यूटिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जिसके चलते निगमा गैलेक्सी परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पा रही है। बट तब भी देखेंगे जब उनके पास लूट अच्छी होगी तब क्या ओरैंगुटन के सामने वो टीम टिक पाती है, बट जब उनके दो प्लेयर बच जाते हैं तो शायद अंदर की जो असली आत्मा है ना वो जाग उठती है, बिकॉज अभी के लिए दो प्लेयर्स और नॉक हुए थे बट दो ही बचे हैं सामने वाली टीम से। टीम ओरैंगुटन के दो बचाए, एक बचाए स्टॉप, मुकाबला पूरी तरीके से कांटे के टक्कर का बन जाता है जब आधा मैच बीत जाता है, और स्टॉप अकेले बचे हुए स्टॉप बच नहीं पाएंगे बिकॉज इनके पास बहुत ही कम एचपी है। और लुक एट दैट, स्पॉट किया था बट खेल खत्म है। टीम ओरैंगुटन एलीट बैक टू बैक दो राउंड्स जीत चुकी है, टीम निगमा गैलेक्सी वापसी की जरूरत है एंड वो वापसी इनकी यहाँ पे होती भी हमें कहने की नजर आ सकती है। फिलहाल टीम निगमा गैलेक्सी के चार प्लेयर्स चाहेंगे एक राउंड जीते एंड अगर एक राउंड जीतती है टीम निगमा गैलेक्सी जैक, फिर इनके पास वो मोमेंटम आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है टीम निगमा गैलेक्सी के पक्ष में। लेकिन वो राउंड जीतना भी थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल बनता हुआ, डिफिकल्ट बनता हुआ, क्योंकि सामने टीम ओरैंगुटन एलीट दो राउंड जीत के यूटिलिटीज एंड रिसोर्सेस बढ़िया लेवल पर उनके पास रहेंगे एंड निगमा गैलेक्सी जो बैक टू बैक दो राउंड हार रही है, इनके पास रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज की थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन देखते हैं कि इस कमी को किस तरह से दूर करेंगे इस राउंड को यहाँ पे विजय हासिल करते हुए। देखिए अगर मैं नोटिस करूं, अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करूं तो निगमा का मेरे को एक पिंग प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, हल्का सा पिंग इशू दिखाई दे रहा है। अगर मैंने वहाँ पे स्टॉप को देखा था या फिर ड्यू को देखा था, आई डोंट नो, बट वहाँ पे लगा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है निगमा को। बट एनीवेज अगर आप देखिए जिस तरीके से लेके यहाँ पे टीम ओरैंगुटन प्ले कर रही है, ये अगर प्रॉब्लम ऐसे ही बना रहा, ओके फिगोर्ड को देखा था, फिगोर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, देखा जाएगा आमीन जिस अप्रोच के साथ जिस इंटेंशन के साथ बढ़ रहे हैं, आमीन हो सकता है कि फिगोर्ड के ऊपर भारी पड़ सकते हैं बिकॉज फिगोर्ड के पास एक लॉन्ग रेंज वेपन है। अगर आमीन क्लोज आ जाएंगे तो कॉम्बैट थोड़ा सा विपरीत चल जाएगा, लुक एट दैट, यही चीज हुई, आमीन क्लोज आए, आमीन ने पुश किया और आमीन ने एक अच्छा प्ले भी सिक्योर किया है। ड्यू भी नॉक हो चुके हैं, स्टॉप एंड कार्मेल दो ही खिलाड़ी बचे हैं।
दो ही प्लेयर रहेंगे, नौ कोच चुके हैं, लेकिन फिलहाल टीम ओरैंगुटेन एलीट जीत की तरफ और अच्छे से बढ़ती हुई कहने के जरूर से नजर आ रही है। रश आया, मिस्टर जय वाईटी हो जाएंगे डाउन, ओल्ड मॉन्क पीछे की तरफ नजर आएंगे अपनी एडब्ल्यूएम एंड ओके बाइजन इनके पास कहने के नजर आ रही है, लेकिन मिस्टर जय वाईटी को रिवाइवल लगता है नहीं मिल पाया, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगर रिवाइवल मिल जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन मिस्टर जयवाईटी ने अपना किल भी कंफर्म कर लिया, पहाड़ी एडब्ल्यूएम के साथ नजर आते हुए सामने एक छोटी सी पिक के इंतजार है, पहाड़ी का एडब्ल्यूएम का शॉट अगर सामने कनेक्ट हो गया तो प्लेयर्स बच नहीं पाएंगे। फिलहाल टीम निग्मा गैलेक्सी के आखिरी सोलो सर्वाइवर रहेंगे जिनके ऊपर किया जाएगा रश, एंड टीम ओरैंगुटान एलीट एक और राउंड जीतती हुई 3-0 से टीम ओरैंगुटान एलीट इस लीड को थोड़ा सा और कंटिन्यू है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करती नजर आ रही है। दर्शकों अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते रहिए, बढ़ती हुई कहने के अगर आप नजर आ रही है आया मिस्टर जय वाईटी को भी कहने के जरूर से सपोर्ट करते रहिए, एंड अगर टीम ओरैंगुटान एलीट तो टीम ओरैंगुटान एलीट को भी चैट के अंदर सपोर्ट करना जरूर से ना भूलिए। इंस्टेंट रिप्ले हम सभी के सामने, इंडिया वर्सेस थाईलैंड, ओरैंगुटान वर्सेस निग्मा गैलेक्सी, दिस इज द बैटल, दिस इज द फ्रीकिंग क्लैश स्क्वाड वॉर यार। मतलब मजा आ रहा है बिकॉज अब तक तो देखिए हमें ना दोनों टीम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है कि लाइक वैसे यहाँ पे ओरैंगुटान बहुत क्लियर कट गेम दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, बट हमें निग्मा का एक्चुअल रीजन नहीं पता है बिकॉज निग्मा इज नॉट अ वीक टीम एट ऑल, निग्मा बिल्कुल भी एक वीक टीम नहीं है, बट अभी के लिए वीक टीम दिखाई दे रही है। उसका रीजन क्या हो सकता है, क्या वो पिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है कि प्लेयर का पर्सनल कनेक्टिविटी इशू हो, कुछ भी हो सकते हैं रीजंस, बट हम यहाँ पे रीजन देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बैटल देखने आए हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड कि यार कौन जीतेगा। बट यहाँ पे स्टॉप जरूर से अपने आप को सिक्योर रखा हुआ है, अपने आप को हार्ड कवर के पीछे रखा है, एक मौके की तलाश में जरूर होंगे, बट वो मौका क्या टीम ओरैंगुटान देगी वो देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव साथ का रहने वाला है, जो यहाँ पे पहले मैच साथ स्कोर पहले कर देगा वो जरूर से पहला मैच जीत जाएगा, दिस इज वेरी क्लियर मैन। लेकिन सात स्कोर के लिए सिर्फ और सिर्फ चार दूर है टीम ओरैंगुटान, वहीं सात स्कोर की दूरी पर है टीम निग्मा गैलेक्सी, यानी कि 3-0 का स्कोर लाइक ओरैंगुटान के लिए बहुत फेवरेबल है कि जीत जाएंगी वो टीम, बट निग्मा का कमबैक कब आता है, क्या तब जब उनके पास बहुत ज्यादा लूट होगी, जब उनके पास बहुत यूटिलिटीज होगी, देखा जाएगा स्ट्राइकर। फिलहाल टीम निग्मा गैलेक्सी को कमबैक की जरूरत, लेकिन मिस्टर जयवाईटी के हेडशॉट कनेक्शन से आपका बचना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल बन जाएगा। टीम ओरैंगुटान एलीट बैक टू बैक नॉक्स निकाल रहे हैं, जैसे जैसे ये नॉक की प्लेयर्स निकालते हैं वैसे ही निग्मा गैलेक्सी पे प्रेशर भी बनता नजर आ रहा है। निग्मा गैलेक्सी वापसी कर सकते हैं, जानते हैं कि इनका गेम किस प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अभी के लिए दिक्कतें फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा सामने टिक नहीं पा रहे। पहाड़ी के पास डबल स्नाइपर नजर आती हुई, डबल ऑम के साथ पहाड़ी आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ओल्ड मॉक ने सामने एक नॉक करने के जरूर से सिक्योर कर लिया चार्ज बस्टर के साथ, एंड चार्ज बस्टर अलाउ है इस कस्टम के अंदर तो और भी एक्साइटिंग होगा चार्ज बस्टर के साथ, लेकिन ओल्ड मॉक करेंगे लास्ट किल कंफर्म, एंड टीम ओरैंगुटान एलीट 4-0 से अपनी लीड को और भी ज्यादा बढ़ाती नजर आ रही है। 0 राउंड्स जीती है, लाइक अभी तक एक भी राउंड जीती नहीं है टीम निग्मा गैलेक्सी। निग्मा गैलेक्सी कमबैक की जरूरत है आपके फैंस को एंड आपको भी बखूबी, तो निग्मा गैलेक्सी हो जाए एक कमाल का कमबैक एंड इस मैच को थोड़ा सा और इंटेंस बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर आप रिप्ले एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं बिकॉज इनिशिएट किया था टीम ओरैंगुटान ने प्लेयर्स को खत्म करने का, उसके बाद इनिशिएट किया एंड भी वही किया है मिस्टर जय वाईटी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पिछले मैच के काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर बन के निकल के आए हैं, बट ओल्ड मॉन्क अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओल्ड मॉन्क को रोकना दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक मैन, बिकॉज ये बंदा नहीं रुकेगा, इस बंदे ने 9 किल्स कर दिए हैं, यानी कि निग्मा गैलेक्सी के टोटल से भी 3 ज्यादा। वाओ, अगर आप देखिए स्टॉप को नॉक लिया गया है, स्टॉप को स्टॉप किया गया है, फिगॉर्ड कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से प्ले करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बट अब तक कुछ भी किल नहीं सिक्योर कर पाए हैं, एंड नाइफ्स वगैरह भी चलाई जा रही है, ओल्ड मॉक नॉक किल कर चुके हैं और दूसरे आमिर के 2 ही किल रहने वाले, जय के 3 एंड पहाड़ी के भी 3 रहेंगे, बट सिक्योर करेंगे अपने आप को, प्लेयर बहुत ज्यादा डैमेज नजर आएंगे, बट फिगॉर्ड को रिवाइवल प्रदान करने की पूरी कोशिश है कामिल की। लाइक ड्यू थोड़ा अलग मौजूद है, ड्यू थोड़ा सा दूर है, बट ओरैंगुटान के पास सबसे अच्छी बात है, सबसे पॉजिटिव बात यही कि उनके पास चारों खिलाड़ी है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना लाइक प्रोहिबिटेड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ किया गया है, दोनों ही टीमें ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि रूल बुक्स वगैरह इतना ऐसा कुछ पर्टिकुलर बनाया नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ वर्बली रूल्स वगैरह बताए गए हैं, सो ये चीजें रहेंगी, बट ओल्ड मॉक ये खिलाड़ी नहीं रुकेगा। 3v3 का सिनेरियो है जिसमें से निग्मा गैलेक्सी
निगमा गैलेक्सी का एक प्लेयर अभी भी नॉक पड़ा हुआ है, दिक्कतें हैं टीम निगमा गैलेक्सी के ऊपर बिकॉज एक आखिरी खिलाड़ी जिसका नाम है विगॉड भी खत्म होंगे, फाइट जाएगी, बैटल जाएगा टीम और रैंगटन के खाते में, और ये टीम 5-0 से आगे बढ़ चुकी है। रीजन जो मर्जी हो, बैटल हो रहा है और यहाँ पे टीम और रैंगटन एलीट वन साइडेडली डोमिनेट कर रही है स्ट्राइकर। इमोरैंगुटन एलिट मौका ही नहीं दे रहे टीम निगमा गैलेक्सी को कि वो वापसी कर पाए, उनको एक सेकंड का भी वो मौका नहीं मिल रहा। ओल्ड मॉन्क जिस तरह से चार्जिंग कर रहे अपने चार्ज बस्टर के साथ, चार्ज बस्टर तब इनको मिलती है तो अक्सर हम देखते हैं कि क्या कुछ ये करते हैं अपने टीम के लिए नजर आते हैं। फिफ गॉड यहाँ पे कोशिश इन्होंने पूरी करी कि यहाँ पे अपने टीम के लिए लास्ट में कुछ किल्स लें, लेकिन नहीं कर पाए। रिवाइवल भी देने गए थे लेकिन वो नहीं हो पाया। लास्ट मिस्टर जय वाइटी ने पीछे से किल कंफर्मेशन करा। 5 राउंड्स बैक टू बैक टीम ओरैंगुटन एलीट जीत चुकी है, लेकिन निगमा गैलेक्सी के फैंस अभी भी चैट के अंदर अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हमारी टीम जरूर से कमबैक कर सकती है। एंड क्या पता हमारी टीम कमबैक कर भी दे कमाल का, कर सकती है, चांसेस हैं अभी भी, क्योंकि मैच पॉइंट आने में टीम ओरैंगुटन एलीट के 1 राउंड और बाकी है, लेकिन ड्यू डाउन हो जाएंगे एंड इनके डाउन होते ही मैन पावर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है टीम निगमा गैलेक्सी के, लेकिन टीम ओरैंगुटन एलीट के ऊपर नजर डालिए। जैक फ्रीली होकर रश कर रहे हैं चारों तरफ से, अभी हर एक एंगल कैप्चर करना चाहेंगे जिससे इनको एडवांटेज मिले एंड निगमा गैलेक्सी के लिए इस सिचुएशन के अंदर बचना थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ। बिल्कुल मुश्किल बन जाएगा, बट देखा जाएगा किस तरीके से लेके यहाँ पे, देखिए निगमा गैलेक्सी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलें बनती जा रही है। अगर आप देखें जिस तरीके से लेके यहाँ पर एक प्लेयर निगमा गैलेक्सी का पहले नॉक हुआ है और उसके बाद दूसरी, अगर आप देखें हाँ डैमेज वगैरह दे रहे हैं टीम और एंगटन के प्लेयर ज्यादा डैमेज नजर आ रहे हैं, बट एक प्लेयर का खत्म होना उससे ज्यादा लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि दिक्कत में टीम निगमा गैलेक्सी ज्यादा रहने वाली है। बट यहीं पे अगर आप बात करें एक अच्छा कमबैक नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों कमबैक वाली फीलिंग आ रही है, क्या ये कमबैक हो सकता है? स्टॉप कहीं ना कहीं नॉक हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या, ओ माय गुडनेस कामिल भी नॉक है, वी गॉट द लास्ट मैन स्टैंडिंग। इस प्लेयर के ऊपर पीछे से फायर अप आ रहे हैं, कोई अप्रोच लगा नहीं, बिल्कुल समझ नहीं पाए, या तो इंटरनेट समझने नहीं दे रहा, या तो गेम का जो प्रॉब्लम है वो समझने नहीं दे रहा, बिकॉज ये एब्सोल्युटली यार मतलब कोई इतना ज्यादा लेके यहाँ पे डिफेंसिव नहीं हो सकता, कोई इतना ज्यादा लेके यहाँ पे ऐसा गेम नहीं दिखा सकता निगमा गैलेक्सी, खासकर नहीं बिकॉज ये टीम का गेम देखा एशिया कप के अंदर हमने एंड दैट वॉज इनसेन। ये दोनों ही टीमें अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो ये दोनों ही टीमें ऑलरेडी ग्रैंड फाइनल्स में जा चुकी हैं एशिया कप के, एंड दोनों ही टीमों के बीच में अभी क्लैश कॉर्ड हो रहा है, अच्छा पेस बन रहा है, लेकिन एक चीज है कि हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है टीम निगमा गैलेक्सी का। देखते हैं एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है इस मैच के बाद, आपको बताया जाएगा क्या चीजें चल रही है दोनों टीम के बीच में, क्या बातचीत चल रही है उसको हम लोग अपनी जबान से ट्राई करेंगे आपको बताने का, लेकिन अभी के लिए यही चीज है 6-0 हो चुका है, शायद 7-0 के साथ ये मैच समाप्त होगा आपके सामने। हो सकता है चांसेस है, लेकिन टीम निगमा गैलेक्सी भी कमबैक की तरफ बढ़ती कहने के जरूर से नजर आ सकते हैं। 1 राउंड जीती तो वापसी हो गया, यहाँ बिल्कुल मिस्टर जे वाइटन पहाड़ी हो चुके हैं डाउन, टीम निगमा गैलेक्सी यहाँ पे चार्जिंग करती हुई रिवाइवल दे रहे हैं, लेकिन क्या रिवाइवल देने का मौका देंगे, समय देंगे, समय की बहुत ज्यादा ही कमी यहाँ पे रहने वाली है। रश करेंगे कार्नमेल एंड ये रश लगता है प्लेयर्स की कंफर्मेशन लेते नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक प्लेयर निगमा गैलेक्सी की तरफ से डाउन के ओल्ड मॉन्क आगे की तरफ बढ़ते कहने के जरूर से नजर आ रहे। उल्मा की एलिमिनेशन एंड हियर वी गो, टीम निगमा गैलेक्सी अपना पहला राउंड इस मुकाबले के अंदर जीतती हुई, एंड क्या पता ये टीम निगमा गैलेक्सी की हमें वापसी भी एक कमाल का एक एपिक कमबैक दिखाते नजर आए, क्योंकि दमखम तो है, गेम प्ले तो है, फायर पावर तो है, लेकिन थोड़ा सा ये फायर पावर घूमने गई थी इतनी देर, लेकिन अभी वो फायर पावर लगता आती नजर आ रही है इस टीम की तरफ से। जैक अगर ये वापसी होती है इनकी तरफ से तो इसमें कोई कहने की दोहराए की बात नहीं है कि टीम ओरैंगुटन एलीट थोड़ा सा चिंता में जाएगी। देखिए अगर आप क्लैश कोड की बात करें तो क्लैश कोड में हमने ये भी चीजें होते देखी है कि 6-1 हो उसके बाद 6-7 हो जाता है, बट यहाँ कुछ केस डिफरेंट है, यहाँ पे डोमिनेशन था, वन साइडेड डोमिनेशन था, बट वो डोमिनेशन का एक रीजन था वो एक पेइंग इशू, बट क्या अब टीम निगमा गैलेक्सी अपने वापस से फॉर्म में आ चुके हैं, बिकॉज अगर आप देखिए जिस तरीके से कामिल यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, कामिल का पहला नॉक है, सामने वाली टीम के एक प्लेयर खत्म हो चुके हैं, ये मुकाबला शायद वापस से अपनी पकड़ को ग्रैब कर चुका है, कामिल नॉक है, रिवाइवल शायद मिल सकता है, बट पहाड़ी जब तक खड़े तो शायद बिल्कुल भी नहीं, आप कहेंगे पहाड़ी को नॉक किया जाएगा बाद में भी रिवाइवल प्रदान करें। वाओ वाओ आई एम जस्ट
चलेंगे इट आउट बिकॉज ये टीम अब नहीं रुकेगी। 4v2 का सिनेरियो बनाती हुई टीम निग्मा गैलेक्सी में दिखाई देगी। रिकॉर्ड आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा इंटेंशन है इसका कि यार खत्म करेंगे सामने वाली टीम को, बट उसको पता है थ्रोबल्स का इस्तेमाल किया गया है, इन प्लेयर्स को खत्म करेंगे एंड आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है वो आखिर रहने वाले हैं मिस्टर जेवाईटी। कैन यू डू दिस टाइम मैन? एब्सोल्युटली नॉट। निग्मा गैलेक्सी इज इन अ कमबैक फेस और ए कमबैक निखर कर आ रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अभी धड़कने भी बढ़ती हुई टीम ओरैंगउटान एलीट के फैंस की कि अरे ये क्या हो गया, ये कहने के जरूर से नहीं होना चाहिए था लेकिन होगा जरूर, इसलिए तो ये क्लैश वॉर्स है, इसलिए इन दोनों कमाल की टीम्स के बीच में ये क्लैश वॉर करवाया जा रहा है। टीम निग्मा गैलेक्सी तैयार नजर आ रही है जैक, एंड अभी देखिए इनकी रिसोर्सेस, चार्ज बूस्टर लेके रखी है प्लेयर्स ने, एंड और क्या ही चाहिए सीएस के अंदर, आपके पास अगर चार्ज बूस्टर जैसी कमाल की वेपन हो तो फिर आप इजीली राउंड्स को निकाल सकते हो। निग्मा गैलेक्सी कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि पता है इनको एक राउंड हारे पूरा मैच हार जाएंगे। एक राउंड अभी गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, अभी कोई भी गलती टीम कर ही नहीं सकती, लेकिन टीम ओरैंगउटान एलीट बस एक राउंड दूर, बस वो चार फिनिशेस इस राउंड के अंदर चाहिए आपको एंड आप पहला मुकाबला बखूबी जीत जाओगे। जहाँ बिल्कुल आप मुकाबला जीत जाओगे, जैसे कि स्ट्राइकर ने बताया कि सिर्फ चार फिनिशेस, बट जैसे कि हमने शिपयार्ड पर देखा था मिस्टर जेवाईटी हल्का सा अटक गए थे, तो वो चीज मेरे दिमाग में अभी तक है। देखिए पेंग इश्यूज वगैरह होते रहते हैं, बीच बीच में होते रहते हैं, सो इसके लिए हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये एक रीजन, हम लोग एट द एंड आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैच अगर ओरैंगउटान जीती है तो टीम निग्मा गैलेक्सी के पेंग इश्यू की वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दोनों ही टीमों को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। बट यहाँ पे जरूर से पहाड़ी को पहला फिनिश, जरूर से पहाड़ी के रूप में पहला फिनिश यहाँ पे देखा है टीम ओरैंगउटान एलीट ने, बट साथ ही साथ यहाँ पे टीम का निग्मा गैलेक्सी के कामिल भी खत्म हो चुके हैं। मिस्टर जेवाईटी के पास 7 किल है, ओल्ड मॉन्क के पास 13, आमीन के पास अभी भी 2। ये चीजें आमीन जैसा खिलाड़ी अब तक 2 किल के साथ है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, डैमेज कितना है, मैं देखना जरूर चाहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए 3v3 का सिनारियो फिगर्ड स्टॉप एंड साथ ही साथ ड्यू, ये 3v3 सिनारियो कितना डिफिकल्ट बनता है किस पर्टिकुलर टीम के लिए क्लॉक टावर के ऊपर वो देखा जाएगा। आपको बता दें टीम ओरैंगउटान को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्लॉक टावर का, एंड क्लॉक टावर का एक्सपीरियंस वैसे टीम निग्मा गैलेक्सी को भी है, तो दोनों एक्सपीरियंस टीम्स यहाँ पे मौजूद है। क्लॉक टावर के ऊपर 6-2 का स्कोर है, कौन जीतेगा स्ट्राइकर, क्या लगता है? टीम निग्मा गैलेक्सी के चांसेस बहुत हाई नजर आ रहे हैं जैक, क्योंकि इन्होंने देखिए वो निचला इलाका ग्रैब कर लिया है, अगर ऊपर से कोई प्लेयर नीचे आएगा जाहिर सी बात है जोन की वजह से आपको नीचे आना पड़ सकता है, तो टीम निग्मा गैलेक्सी उस सिचुएशन का फायदा बखूबी उठाना जानती है, फिर उठा लेगी। लेकिन 3v3 है तो ज्यादा कुछ कन्फर्म भी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन निग्मा गैलेक्सी कोशिश करती है। नहीं, देखिए अमीन नीचे आए एंड कर लिया गया उनको स्पॉट, अमीन के एलिमिनेशन हो जाएगी, एक और प्लेयर डाउन एंड देखते ही देखते टीम निग्मा गैलेक्सी एक और राउंड जीतेगी। 3-6 का ये मुकाबला चल रहा है, लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी कमबैक के फेज में चल रही है, 3 राउंड्स टीम निग्मा गैलेक्सी ने भी बैक टू बैक जीत लिए हैं, एंड ऐसा तो नहीं साबित करना चाहती है टीम निग्मा गैलेक्सी की, पहले हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, अभी हमारा असली गेम स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा लेट गेम स्टार्ट हुआ निग्मा गैलेक्सी आपका, लेकिन कोई बात नहीं, वापसी और कितनी दूर जाएगी, कितनी लंबी चलेगी वापसी जैक निग्मा गैलेक्सी की, वो देखकर और मजा आएगा। देखिए आपने जो कहा कि पहले हम प्रैक्टिस करते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पहले आप खेल रहे थे बट आप खेल नहीं पा रहे थे, तो ये चीजें हैं। निग्मा गैलेक्सी अब वो चीजें दिखा तो रही है, मतलब हाँ कोशिश और शायद थोड़ी बढ़ गई है या फिर समझ चुके हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि क्लैश कोड में आप क्या पता एनालाइज कर रहे हो सकता है, लेकिन स्टॉप एक अदर एंड को कवर किया हुआ है, बट ये देखिए स्मोक किया, लाइक वाओ क्या बात है, मतलब पूरी तरीके से प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप के उस स्नाइपर शॉट को रोका गया, उस स्मोक से उनके जो विजन था वो पूरा ब्लर हो गया, बट अभी के लिए फिगर्ड की बात करें, फिगर्ड के पास भी एक अच्छा खासा लेके एंगल मौजूद रहेगा। स्टॉप को स्पॉट किया गया है, स्टॉप को, ओह माय गॉड, स्टॉप को वापस से उल्टे कदम भागना पड़ा, इस हद तक मजबूर किया गया ओरैंगउटान एलीट के प्लेयर्स के द्वारा, बट वहीं दूसरी ओर दोनों टीम को एक एक झटका लगा है, लेकिन यहाँ पे वापस से कामिल पहले नॉक हुए हैं और शायद फिनिश भी हो जाएंगे, बट दूसरी ओर टीम ओरैंगउटान प्लेयर जो नॉक हुए थे वो फिनिश नहीं हुए, वो रिवाइव हो चुके हैं, आमीन को रिवाइव दिया गया है। सो ये चीजें हैं, अब चीजें बदल रही हैं, अब 4v3 का सिनारियो है, मुझे लगता है ये मैच फैक्ट्री का टीम ओरैंगउटान के खाते में जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहला फ्रैग ले लिया इस फाइट के अंदर, एंड पहला फ्रैग आपके पास आना अपर हैंड है, लेकिन लो अभी हिसाब बराबरी का हो गया,
दोनों टीम्स के तीन तीन प्लेयर्स नजर आएंगे। 3v3 का एक कंटेस्ट बन चुका है इस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन देखिए मिस्टर जय वाटी ने नॉक निकाला, ओल्ड मॉन्क थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते कहने के नजर आएंगे, लेकिन सामने ड्यू डाउन है एंड ड्यू को रिवाइव देना थोड़ा सा मुश्किल बनेगा इनके टीममेट्स के लिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इनके टीममेट्स नीचे की तरफ है, तो वो कोई मेल बनता नहीं है कि रिवाइवल दे पाए। लेकिन चाहेंगे टीम निगमा गैलेक्सी की जीते, लेकिन ग्रेनेड अमीन का एक सटीक कनेक्शन ढूंढेगा, असिस्ट आया है इनका, लेकिन किल आ जाएगा। एंड जी हाँ बिल्कुल, पहला मुकाबला जीतती हुई टीम और रैंक उठाने लेट पहला इनके पास गया है, लीड इन्होंने कहने के जरूर से यहाँ पे अपने पक्ष में घेर ली है। ओल्ड मॉन्क बनेंगे एमवीपी विद 15 फिनिशेस। वंडरफुल, लाइक स्टार्ट में इन्होंने बता दिया था कि मैं एमवीपी बनने वाला हूं, और यकीनन ये खिलाड़ी 15 किल, ये आसान नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर टीम प्लेयर के लिए कि यार ऐसे 15 किल निकाले अपने टीम के लिए। यहाँ पे जरूर से वैसे ज्यादा हुए नहीं राउंड्स, आई थिंक सो 10 राउंड हुए, 7 निकाले यहाँ पे टीम ओरांगटन ने, 3 निकाले निगमा ने, तो 7-3 के साथ पहला मैच फिनिश हो चुका है, 4 में से 1 गेम हो चुका है खत्म, बचे हैं 3 गेम। स्ट्राइकर क्या लगता है, क्या आगे आने वाले गेम्स में क्या, वैसे मैंने एक चीज मेंशन किया था, हो सकता है यूटिलिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा लूट मिले तब टीम निगमा गैलेक्सी कहीं ना कहीं एक अच्छा फॉर्म दिखाए अपना, एंड वही चीजें होती दिखाई दी, बट शायद बहुत ज्यादा देरी हो गई, अगर थोड़ा और पहले आती तो शायद निगमा गैलेक्सी 6-7, 6-5 कुछ ऐसा स्कोर कर सकती थी, क्या पता जीत भी सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, जीत भी सकती थी और कुछ भी हो सकता है, लाइक वही चीजें हैं जो कि हम मेंशन करते आते हैं कि अगर आप देरी कर रहे हैं तो शायद बाद में यही कहने का मौका मिलेगा कि शायद हमने बहुत ज्यादा देरी कर दी। बट एनीवेज, ओरांगटन वर्सेस निगमा गैलेक्सी का ये मुकाबला आगे भी चलता रहेगा, अगला मैच होने वाला है पुर्गेटरी के अंदर, एंड 4 मैचेस इसलिए गए बिकॉज 4 अलग मैप्स, बट मेरे को डर इस बात का है कि अगर अल्पाइन जैसे मैप्स में और भी ज्यादा पिंग इशू होते हैं तो टीमों के लिए दिक्कतें और ज्यादा फीस अप करनी पड़ सकती है। लेकिन शायद से टीम्स की पिंग इशू कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा गेम ग्लिच बोल सकते हैं, स्पेक्टेटर ग्लिच जो होता है गेम के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि रूम ज्यादा देर बने रहने से वैसा कुछ होगा, वो कहने के सॉल्व हो जाएगा कुछ देर के अंदर, अगर प्लेयर्स का पिंग इशू होता तो प्लेयर्स खेलते भी ना शायद, तो ऐसा रह सकता है। वापसी भी करी प्लेयर्स ने, लेकिन दर्शकों आप सभी से फटाफट से कर दीजिए स्ट्रीम को लाइक अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं करा है, एंड लिटो मोर इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर से ना भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, जो मैचेस हैं, वो और भी कमाल के रहते हैं लिटो मोर इंडिया पे, हमने प्रॉमिस अक्सर करा है, अक्सर प्रॉमिस पे खड़े उतरे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा जितने भी फैंस उतरे हैं आज स्ट्रीम पे अपनी टीम्स को, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगे फ्रॉम थाईलैंड एंड फ्रॉम इंडिया। ये बिल्कुल, आपको लाइक वगैरह करते रहना है, बट लुक एट दैट, यहाँ पे इनिशिएट किया है वो, लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टीम निगमा गैलेक्सी ने पकड़ बनाने का सोचा है, और 0-1 के साथ निगमा गैलेक्सी की ये शुरुआत। कामिल के पास 1 किल है, स्टॉप के पास 2 है, फिगॉट के पास 1 है, यही तो चाहिए था, यही कॉम्पिटिशन चाहिए था, यही सिनर्जी चाहिए था, वही मिलता दिखाई देगा। अब मुकाबला बराबरी का है, अब मुकाबला कांटे की टक्कर का है, देखते हैं जीतेगा कौन बॉस। पहला राउंड कहने कहीं, जी हाँ बिल्कुल, पहला राउंड जीती है हमारी टीम निगमा गैलेक्सी, अपर हैंड उनके पास आ चुका है, पिछले मैच का जो मोमेंटम उन्होंने लास्ट में कैरी करा जैक, उस मोमेंटम को ये टीम इस मैच के अंदर शिफ्ट करती नजर आ रही है टीम निगमा गैलेक्सी। पहला राउंड जीत के बता रहे कि हाँ हम पहले में जरूर पहला राउंड नहीं जीत पाए, लेकिन अभी हम जीतेंगे। देखिए हेडशॉट कनेक्शन कमाल का नजर आया, सामने एक नॉक निकाला, लेकिन इसी दौरान स्टॉप भी डाउन हो जाएंगे। टीम निगमा गैलेक्सी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने के नजर आ रही टीम ओरांगुटन लीड का आ जाएगा रश, फिगॉट डाउन हो चुके हैं, फिगॉट का डाउन होना दिक्कत है, उनके एलिमिनेशन हो जाएगी, स्टॉप बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहने वाले हैं। टीम निगमा गैलेक्सी थोड़ा सा दिक्कतों में, क्योंकि इनके प्लेयर्स दिक्कतों में है, थोड़ा सा डैमेज नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम ओरांगुटन लीड भी दिक्कतों में है क्योंकि इनके भी एक प्लेयर डाउन है, लाइक दोनों टीम्स इक्वल रिटेलिएशन फायर करते कहने के जरूर से नजर आ रहे हैं। मिस्टर जेवाईटी फिलहाल यहाँ पे नॉक रहेंगे, जिनको रिवाइवल देना पूरी तरह से नामुमकिन सिचुएशन बनती हुई, लेकिन अमीन भी डाउन हो जाएंगे, एंड अमीन के डाउन होते ही टीम निगमा गैलेक्सी अपने दूसरे राउंड की जीत के थोड़ा सा और करीब जाते हुए। यहाँ बिल्कुल अमीन नॉक हो चुके हैं एंड फिनिश हो चुके हैं एब्सोल्युटली मिस्टर जेवाईटी के साथ, पहाड़ी एंड साथ ओल्ड मॉन्क दो खिलाड़ी बचे रहेंगे। दूसरी ओर कार्मेल, देखिए कार्मेल की मैं अगर बात करूं तो ये खिलाड़ी आखिरी के कुछ राउंड्स के अंदर टीम में सबसे पहले एलिमिनेट हो रहे थे, जिसके चलते मैं कहूंगा एक रीजन है ये भी कि आप ने आखिरी के कुछ राउंड्स गवा दिए। बट एनीवे, टीम ओरांगटन एलीट की पहाड़ी भी नॉक हो जाएंगे, आखिरी बचा ये प्लेयर ओल्ड मॉन्क,
पिछले मैच के एमवीपी खत्म होंगे ट्रिपल कल के साथ। ये बंदा मैन स्टॉप इज बीइंग अनस्टॉपेबल, इसको कोई तो रोक लो जस्ट बिकॉज इन्होंने 5 किल कर दिए हैं। मैं कहूंगा स्ट्राइकर जो पिछले मैच में ओल्डमोंग कर रहे थे वो अब स्टॉप कर रहे हैं। वही देखिए थर्ड नंबर का ओल्डमोंग प्लेयर है एंड यही दूसरी तरफ स्टॉप भी थर्ड नंबर के प्लेयर है। बट जो थर्ड नंबर का सिनेरियो आप कह सकते हैं कुछ तो कहानी है, ये थर्ड नंबर पे जो भी है वो इतिहास रच कर जाने वाला है। क्या पता रज दे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों टीम्स के लिए, इन दोनों टीम्स के बीच में भी कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो राइवलरी एनिमा गैलेक्सी एंड टीम ओरियन गुटेन लेट की सीएस में होगी, चलो ठीक है, लेकिन तब हमारे एशिया कप में होगी तब और कमाल की होने वाली है। फिलहाल इस मैच की बात करें तो टीम ओरियन गुटेन लेट स्पॉट्स पकड़ रहे हैं अपने लिए जहां से इनको एडवांटेज मिल पाए, लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी ग्रेनेड्स का प्रयोग करती नजर आ रही है। ग्रेनेड्स लगता है यहाँ पे अलाउ करे गए हैं प्लेयर्स को कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एंड जी हाँ बिल्कुल प्लेयर्स यूज करते भी जरूर से नजर आ जाएंगे। लेकिन 2-0 से टीम निग्मा गैलेक्सी आगे चल रही है जैक, एंड निग्मा गैलेक्सी का आगे रहना 2-0 से एक्साइटिंग चीज है, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी जीत की तरफ भी बढ़ सकती है अगर ऐसे ही उन्होंने लीड को कैप्चर करके रखा तो। Absolutely, देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ड्यू ने अब तक एक भी किल नहीं निकाला है, बट दूसरी ओर कहीं ना कहीं पहाड़ी और जय वाई टी ने भी एक भी किल नहीं निकाला है। बट जय वाई टी और पहाड़ी का दोनों का एक तरफ से आना, और यहाँ पे वाह पहाड़ी फंस चुके थे नीचे की तरफ से, पहाड़ी का पैर दिख रहा था जिसके ऊपर शॉट फायर किया गया एंड प्ले को नॉक लिया गया है। ओल्ड मॉक यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, आमीन अकेले बचे हैं। स्ट्राइकर ये क्या था, मतलब अगर आप ऑल द वे देखेंगे तो डोमिनेशन दोनों एंड से देखने को मिला है। पहले टीम ओरियन, उसके बाद टीम निग्मा गैलेक्सी, 3-0 का ये सफर है। मैं रिप्ले देख रहा हूँ बट इस बार टीम निग्मा गैलेक्सी के साथ, पिछली बार टीम ओरियन ने डोमिनेट किया था। माय गुडनेस व्हाट इज गोइंग अप, अमेजिंग, मतलब यही चीज तो हम हमेशा मिस करते हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबला है, बेस्ट ऑफ 4 का रहने वाला है, बट लुक एट दैट यार, मतलब ये चीजें जो भी हो रही है आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते थे कि अब टीम निग्मा गैलेक्सी डोमिनेट कर। जी हाँ, अगर आप देखें जिस तरीके से निग्मा गैलेक्सी आगे बढ़ेंगे अगले यहाँ पे कामल रहने वाले हैं, बट ओके बट मैं स्टॉप की बातें, स्टॉप का जिक्र मैं बार बार करना चाहूंगा। ये खिलाड़ी ने 6 किल निकाल दिए हैं, अब तक सिर्फ 3 ही राउंड्स हुए हैं, तीनों टीम निग्मा गैलेक्सी ने जीते हैं और तीनों के अंदर डोमिनेट किया है। बट अगर आप देखें जिस तरीके से लेके आप सेम अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा यहाँ पे नॉन डिफेंसिव रहने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, प्लेयर्स के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं और जिसका फायदा भी मिल रहा है। कामिल जरूर से एक और अच्छा फिनिश निकाल देंगे, एंड किसके रूप में निकाला है, आमीन को खत्म किया है। आमीन जरूर जितना लेके यहाँ पे मैं कहूंगा जितना लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं आप आमीन से, वो चीज आप नहीं कर पाए, आमीन ने अब तक उतना तो नहीं किया। एब्सोल्युटली बढ़िया है, पहाड़ी है, जय वाईटी है, दो ही खिलाड़ी बचे रहेंगे, 2-3 का सिनेरियो है। टीम ओरियन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये गेम भी टीम निग्मा गैलेक्सी के पक्ष में जा सकता है। अगर 4-0 होता है तो वहां से कम बैक करना इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये देखिए एक बार जैक, एक बार आप कि प्लेयर्स किस तरह से नॉक कर रहे हैं। 1v1 हो सकता है लगता है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल होगा 1v1। मिस्टर जेवाईटी है सामने, इधर निग्मा गैलेक्सी के हैं प्लेयर, लेकिन ओके डीव को रिवाइवल मिल जाएगा एंड ये मिस्टर जेवाईटी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 1v1 का सोचा है इन्होंने, लेकिन अभी वो 1v1 नहीं 1v2 हो चुका है। टीम निग्मा गैलेक्सी अपने 4th राउंड जीत के बहुत ज्यादा कहने के जरूर से करीब यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। मिस्टर जेवाईटी आखिरी सर्वाइवर, 4 बस्टर इनके पास है, क्लच पकू को भी निकाल सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत बार इनके क्लचेस देखे, लेकिन ग्रेनेड से कैसे बचोगे जनाब। एंड टीम निग्मा गैलेक्सी बैक टू बैक 4 राउंड जीतते हुए नजर आ रही है, 4 राउंड बैक टू बैक जीतना सोचा नहीं था पहले मैच में दर्शकों ने कि यार टीम निग्मा गैलेक्सी ऐसा कर सकती है, लेकिन हमें भरोसा था एंड वो टीम निग्मा गैलेक्सी करके भी दिखाती हुई। जैक 0-4 टीम ओरियन एलीट को एक भी राउंड ना जीतने देना, ये अपने आप में ही कमाल की चीज है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्ट्राइकर, लाइक यहाँ पे 4-0 सेम मैप है, क्या हो रहा है, लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग अप। कामिल आगे बढ़ेंगे, जय वाईटी आगे बढ़ रहे हैं दूसरी टीम। What first blood? आमीन आप क्यों इतना ज्यादा लाइक यहाँ पे अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, बिकॉज आमीन को नॉक एंड फिनिश किया गया है।
आमिन अपने आप को ज्यादा लेके आप एक्सपोज कर गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं आमिन सबसे पहले खत्म हो गए। आमिन का सबसे पहले खत्म होना मुझे पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बट एनीवेज क्योंकि आमिन आप सही तो है, बिकॉज मैं आपसे पर्सनली बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज अचीवर्स में खेलते देखा है आपको, हर प्लेयर को हर टीम के खिलाफ डोमिनेट करते देखा है, यू आर जस्ट अ एक्सट्रीम प्लेयर मैन। जय वैटी भी खत्म हो जाएंगे, सामने तो प्लेयर आएगा वो इनको भी यानी कि ओल्ड मॉन भी फिनिश कर देगा, फुल ऑन एग्रेशन है ये, बट पहाड़ ने कचन कर देंगे, बट ये किल शायद इनको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, बिकॉज पीछे से स्टॉप आएंगे, स्टॉप किया है टीम और एंगटन के पहाड़ी को, स्टॉप किया है टीम को, अपने आप को एक और पॉइंट दिलवाया है, 5-0 दिस इज मैन, टीम निग्मा इज ऑन द वे फॉर अ क्लासी विन मैन। और क्योंकि कर भी रहे हैं ऐसा, लाइक रिप्ले की तरफ नजर डालें तो एक एक करके प्लेयर्स को एलिमिनेट करते चल रहे हैं टीम निग्मा गैलेक्सी के, जो टीम है ओजी लीड को मौका नहीं मिल रहा, एंड मौका नहीं मिलेगा तो आप करोगे भी कैसे। देखिए पहले अमीन ने गलती करी जिसकी वजह से उनको एलिमिनेट होना पड़ा, बाद में जय डाउन हुए एंड जय डाउन हुए उसका सगमा उल्मंग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, उतने में उल्मंग के ऊपर भी रश आ गया, पहाड़ी आखिरी प्लेयर थे, सिंगल एडब्ल्यूएम से थोड़ी सी दिक्कत हुई है पहाड़ी को, अगर डबल होती तो और कुछ हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश उन्होंने पूरी कर ली। हमारा अगला राउंड भी स्टार्ट, उसके बैक टू बैक एक्शन चलते नजर आ रहे हैं, इस बार स्टॉप एलिमिनेट हो चुके हैं सर्वप्रथम टीम निग्मा गैलेक्सी से, लेकिन टीम ओरैंगुटन एलीट के भी दो प्लेयर्स यहाँ पे डाउन नजर आ रहे हैं हमें, मिस्टर जेवाईटी एंड अमीन, वो आखिरी डुओ सर्वाइवर्स, बाकी डुओ बाकी अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के पॉइंट्स बचाने के लिए, लेकिन अगर ये राउंड टीम निग्मा गैलेक्सी जीतती है तो इनका आ जाएगा मैच पॉइंट, एंड मैच पॉइंट आने के बाद ओजी के पास महज वो औपचारिकता है कि वो कमबैक करें एंड इस दूसरे मुकाबले को भी जीते, लेकिन दिक्कत बन रही है क्योंकि दोनों टीम्स के दो दो सर्वाइवर्स बाकी रहते नजर आ जाएंगे, 2v2 का ये मुकाबला है। रश आया लेकिन बच गए आवे, कोशिश पूरी चार बस्टर के साथ, लेकिन सामने से नॉक निकाला जाएगा निग्मा गैलेक्सी के, डिव आखिरी सर्वाइवर यहाँ पे सोलो सर्वाइवर है, सामने भी सोलो सर्वाइवर नजर आ रहे हैं जैक, 1v1 एक बार फिर से सिचुएशन क्रिएट होती हुई। देखिए आमीन से जैसे कि मैंने पिछले राउंड में मेंशन किया था कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं और एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि आप 1v1 जीत सकते हैं, पीछे की तरफ से प्लेयर है, इनको पता है इनके पास सारा इंटेल रहने वाला है, बट यू दूसरे साइड से निकल चुके हैं सामने की तरफ से। ओके आमीन ने इनको स्पॉट किया, मैंने डैमेज भी दिया है, ड्यू के पास में कोई मौका नहीं है, आमीन रश करेंगे, वॉल्स डाली गई है, दो वॉल्स का इस्तेमाल किया गया है, ड्यू पीछे की तरफ से एक ओके बस क्या कवर लिया गया है, बट आमीन क्या आप कर सकते हैं, क्या ड्यू आप कर सकते हैं, लुक एट दैट 1v1 फाइट बिटवीन द टू स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बट यहां पे आमीन ने मारी है बाजी एंड दिस इज अ कमबैक। अगर मैं गलत हूं तो 5 जब टीम ओरैंगुटन का स्कोर था तब भी कमबैक आया था, नहीं 6 जब था तब आया था, बट यहां पे थोड़ी सी जल्दबाजी की है टीम ओरैंगुटन ने, और जब हम डेक पे थे स्ट्राइकर तब हम यही चीज मेंशन कर रहे थे कि टीम निग्मा गैलेक्सी की ओर से जो कमबैक आया ना वो थोड़ा सा लेट आ गया, बिकॉज जब 6 हो चुके थे तब आया कमबैक, बट यहाँ पे जब 5 हुए हैं तब भी आपने बहुत जल्दी नहीं किया है, आप लेट ही हैं। टीम ओरैंगुटन 1 टीम निग्मा गैलेक्सी 5, दिस इज अ टोटल हेल स्कोर मैन फॉर द टीम ओरैंगुटन, बिकॉज यहाँ से आप शायद जीत नहीं पाएंगे बट एक अच्छा स्कोर लेकर जा पाएंगे, आपके पास ऑलरेडी एक मैच है, दूसरा मैच हो सकता है कि टीम निग्मा ले जाए, बट उसके बाद भी दो और मैचेस रहने वाले, देखा जाएगा स्ट्राइकर कि आखिर ये दिन किसके नाम होता है, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है जैक, किसके नाम होता है एंड किसी को भी नहीं पता, लाइक जो टीम के प्लेयर्स है वो भी सोच रहे होंगे क्या पता हम हार जाएं, क्योंकि ऐसा ही कुछ चल रहा है, सरप्राइजेस नजर आ रहे हैं। टीम निग्मा गैलेक्सी एक कमाल के कमबैक के साथ कहने के नजर आई है इस दूसरे मुकाबले के अंदर, एंड निग्मा गैलेक्सी अभी इस तरह से खेल रही है कि मौका ही ना दे हम ओरैंगुटन एलीट को कि वो वापसी कर पाए, वो दूसरा मैच भी जीत के जा पाए जिस तरह से उन्होंने पहला मुकाबला जीता है। देखिए ओल्डमॉन्ग डाउन, पहाड़ी डाउन, आखिरी प्लेयर सामने से स्टॉप का रश आता हुआ, स्टॉप आगे क्लोज इन करेंगे, 1v1 का बैटल, वुडपेकर बनाम यूएमपी का ये रहेगा वेपन बैटल, स्टॉप आगे बढ़े, सामने से शॉर्ट कनेक्शंस आएंगे, लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी मैच पॉइंट पे आ चुके हैं, 6-1 का स्कोर, टीम निग्मा गैलेक्सी बस एक राउंड दूर अपने जीत के एंड अपनी वापसी के। यहाँ बिल्कुल देखिए मैच पॉइंट हो चुका है, एब्सोल्युटली रिप्ले की बात करें, रिप्ले आप देख सकते हैं मिस्टर जय ने अच्छे खासे फेंस का कवर लिया हुआ था, सामने से प्लेयर थे थोड़ा बहुत मैं कहूंगा केयरलेस हुए इस एंगल पर, वो थ्रोएबल आया वहां पे से उनको देखा, बट जिस तरीके से प्लेयर्स ओके यहाँ पे जो शॉट लगाया था ना उसका तो मैं दीवाना हूँ जी, बिल्कुल ऐसे जंप शॉट्स का फेंस के ऊपर से, दैट वाज
क्रेजी मैन, बट यहाँ पे प्लेयर को स्पॉट किया गया, प्लेयर ने इनको फिनिश किया और उसके साथ साथ पूरी टीम भी फिनिश हो गई थी स्ट्राइकर। बट अब मिल का ये फाइट क्या निगमा के नाम रहेगा या फिर टीम और एंगटन के नाम रहेगा, देखा जरूर से जाएगा। पहाड़ी जरूर से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जेवाईटी के साथ, ओल्मो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे एंगल से आना चाहते हैं, मतलब एक सरप्राइज देना चाहते हैं सामने वाली टीम को, बट क्या सरप्राइज दे पाएंगे वो देखा जाएगा। बट यहाँ पे कामिल को एक और फिनिश मिल जाएगा पहाड़ी के रूप में, आमिर भी खत्म हो जाएंगे वहां पर। जय वाईटी एंड ओल्ड मॉक द लास्ट टू मैन स्टैंडिंग। ये मैच तो बॉस टीम निगमा का ही है बिकॉज 6-1 है, 3v1 का सिनेरियो, इम्पॉसिबल फॉर टीम ओरैंगटन टू विन दिस मैच, टोटली इम्पॉसिबल बन चुका है। हेलो बोले क्या, जीत चुकी है टीम निगमा गैलेक्सी दूसरा मुकाबला। स्कोर होता हुआ 1-1 की बराबरी का, स्कोर हो चुका है बराबर का, मतलब और भी ज्यादा यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो भी कहने के जरूर से बरकरार यहाँ पे रहते नजर आने वाली है। फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से जीता है ये वाला राउंड, टीम राउंड नहीं ये पूरा पूरा मुकाबला टीम निगमा गैलेक्सी ने, ये कमाल है, बेमिसाल गेम प्ले था। लेकिन टीम ओरैंगुटैन लेट थोड़ा सा दिक्कतों में नजर आई इस बार, थोड़ा सा इनको मौके कम मिले जो इनको मिलने दिए ही नहीं निगमा गैलेक्सी के प्लेयर्स ने, जिस तरह से अपना एग्रेशन पूरी तरह से यूटिलाइज करा गया। जहाँ बिल्कुल देखिए मौका नहीं दिया, आपका ये लाइन था काफी ज्यादा लेकिन यहाँ पे मैच करता है बिकॉज मौके कहाँ मिले हैं टीम लेकिन यहाँ पे और एंगटन को। निगमा गैलेक्सी जो मेरे एंगल पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी टीम का सपोर्टर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी नॉन बायस्ड है। बट और एंगटन जीते या निगमा जीते, जीत यहाँ पे किसी देश की नहीं होगी, जीत अपने अपने ईगो की हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ वे में लेकर चलेगा क्योंकि सब कुछ फॉर गेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंटेंशनली कुछ ऐसा मत समझिएगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है, वैसे हो सकता है कंट्रोवर्सी, बट एनीवेज ओरैंगटन वर्सेस निगमा गैलेक्सी। अगर आपको बता दे कि यार टीम पहले मैच में हुआ क्या, ओरैंगटन ने डोमिनेशन दिखाया था, बट उसका 3 तक का सफर था, 7-3 तक वो मैच गया था, बट ये वाला मैच निगमा गैलेक्सी के पक्ष में गया, यहाँ पर 7-1 रहा निगमा गैलेक्सी। सो अभी तक 1-1 हो चुका है स्कोर, एक टाई गेम चल रहा है, बट ये थर्ड गेम किसके पक्ष में जाएगा स्ट्राइकर? मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये थर्ड गेम हो सकता है कि ओरैंगटन के पास चला जाए, बट ऐसा उसके बाद चौथा गेम हो सकता है कि निगमा के पास चला जाए। तो 4 गेम का सफर है, पता नहीं क्या सोच के 4 गेम रखा गया है, ऐसा भी होगा कि टाई होकर ही हम लोग को यहाँ से अलविदा लेना पड़े, क्या कहते हो स्ट्राइकर? बहुत यूनिक रखा गया, मैं सोचा 5 होते हैं 7 मैचेस होते हैं कि 4 तो बराबर भी हो सकता है एंड एक यूज लीड भी आ सकते हैं, लाइक 3-1 तब आप जीत पाओगे, 2-2 वाला तो कोई सवाल ही नहीं डिफेंड होगा। और ये अच्छी चीज है जैक, वैसे हम बोले तो अगर 2-2 होता है तो चलो दोनों टीम्स इक्वल खेली, बढ़िया खेली, दोनों का गेम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉर्टेड। लेकिन 3 मैचेस जीतना बैक टू बैक इन दोनों टीम्स का मैच तब हो तो थोड़ा सा वो चीज भी इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, एंड वो अभी लग भी रहा है हमको निगमा गैलेक्सी का ऐसा गेम स्टाइल देखकर पिछले मैच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने चीज मेंशन की कि अगर निगमा गैलेक्सी ऐसा प्ले कर सकती है सो ये चीजें कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ अगर आप देखिए वापस से देखिए आप कपड़े क्या बदल लिए, आपने तो अपना गेम स्टाइल ही पूरा चेंज कर दिया एकदम से एग्रेसिव। और एंगटन की बात करें तो यकीनन जरूर से ओरैंगटन अपने एक प्लेयर, एक कमाल के प्लेयर, एक स्टार प्लेयर ओल्ड मॉक को खो चुकी है। जेवाईटी जरूर से अपने आप को कवर में रखा हुआ है, बट साथ ही पहाड़ी भी अच्छी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच शायद नहीं रखेंगे, बट आमीन रख रहे हैं, बट देखते हैं पहाड़ी कहां पर मौजूद है। बट सबसे प्लेयर आता हुआ प्लेस के ऊपर जेवाईटी ने शॉर्ट फायर किया गया है, जेवाईटी क्या आप स्टॉप को रोक पाएंगे वो देखा जाएगा, बट जी नहीं क्या कहेंगे आप स्टॉप के इस शानदार गेम प्ले के ऊपर। स्टॉप सामने टीम ओरैंगुटन एलीट की जो कंसिस्टेंसी थी उस पे स्टॉप लगा चुके हैं, ब्रेक लगा चुके हैं। देखिए नीचे स्कोर कार्ड भी हम सभी के समक्ष आता हुआ एंड वो हम देख पा रहे हैं कि दोनों टीम्स ने अपने लिए एक एक मुकाबले जीत लिए हैं। बिल्कुल अगर आप देखिए दोनों ही टीमों ने अपने लिए एक एक मुकाबला जीत लिया है और आप 4 भी जीत सकते थे बट आप कोई 4 नहीं जीत पाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। जरूर मैं अगर बात करूं यहाँ पे टीम निगमा गैलेक्सी की बार बार बात करना चाहूंगा बिकॉज ये टीम के स्टॉप एक स्टार प्लेयर हैं, एक लेजेंड प्लेयर हैं। स्टॉप एक बहुत कॉमन नेम है बट ये
शब्द आपको बहुत ज्यादा अच्छा विश्लेषण करता है कि यहाँ पे आप सभी के गेम प्ले के ऊपर अंकुश लगाने वाले हैं। अगर आप देखें फिगोर की बात करें, एक किल के साथ है खिलाड़ी, ड्यू की बात करें ये भी एक किल के साथ है, कामिल अब तक अपना नहीं खोल पाए हैं, और दूसरी ओर अब तक पूरी टीम ने एक भी किल नहीं निकाला है, खाता मतलब खुला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है टीम, और एंगटन के लाइक यहाँ पे किल पॉइंट्स के बीच में हलचली कुछ हुई नहीं है। बट यहाँ पे देखिए अच्छा कसर लेके आप इसमें शॉट ड्यू का, जिसके चलते नॉक मिलेगा, पूरे प्लेयर को फिनिश भी किया जाएगा। ओल्ड मॉक अपने आपको श्योर रखना चाहते हैं, कवर रखना चाहते हैं, पीछे रखा हुआ है एक अच्छे खासे लेके यहाँ पे अर्थ के ऊपर, बट गैरेज के ऊपर आप कह सकते हैं, बट वहीं पहाड़ी बहुत अनहेल्दी है, लाइक मिस्टर जेवाईटी को भी डैमेज दिया गया है, जेवाईटी अपने चाहते हैं, बट इस एंगल से यहां पर रह के मुझे लगता है जेवाईटी खतरे को ही दावत दे रहे हैं। दिक्कत तो जेवाईटी के जो अपनी टीम के लिए बना रहे हैं वो हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज भी ऑलरेडी यहाँ पे डील करते नजर आ रहे हैं हमें फिलहाल। लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी ने अपने लगता है दो प्लेयर्स को खोने वाले, क्योंकि उनके एक और प्लेयर डाउन नजर आ रहे हैं, एंड अगर उनके किल कंफर्मेशन चलो यहाँ पे कर दी गई है, किल कंफर्मेशन 2v3 बनता हुआ, क्या यहाँ पे स्कोर 1-1 का हो पाएगा? लग रहा है कि ये स्कोर 1-1 का हो सकता है, लेकिन ले लीजिए पहाड़ी डाउन है, एंड मिस्टर जेवाईटी के पास क्या मेडिकेट्स नहीं है? ओके, मेडिकेट्स की प्राप्ति हुई है, अपने आप को कहने की जरूर से हील भी कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड मॉन्क को स्पॉट किया जाएगा, ओल्ड मॉन्क के ऊपर रश आ चुका है, एंड ये देखिए टीम निग्मा गैलेक्सी एक और राउंड जीती हुई। जैक लग नहीं रहा था कि ये राउंड जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्प्लिट होने की वजह से टीम ओरैंगुटन एलीट के जो प्लेयर्स थे स्प्लिट एक दूसरे से, उसकी वजह से टीम निग्मा गैलेक्सी ने फायदा उठाया, एंड दो बैक टू बैक राउंड्स एक बार फिर से जीतते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता तो ओरैंगुटन के फैंस के लिए, ओरैंगुटन की टीम मैनेजमेंट एंड प्लस ओरैंगुटन प्लेयर्स के लिए दिक्कत वाली खबर है। और जहां तक मैं अगर चैट की बात सुनूं तो चैट कहना यह है, चैट डिमांड कर रही है तनेजा कहां है, तनेजा कहां है, काफी समय से ऐसे लाइक साथ में खेलते हुए, बट तनेजा इज द मेंबर ऑफ टीम ओरैंगुटन, सो हाँ तनेजा का आज इस्तेमाल किया जा सकता है, तनेजा इज स्टार ऑफ क्लैश स्क्वाड आप कह सकते हैं। बट यहाँ पे पहाड़ी को बहुत सारा डैमेज दिया गया है, पहाड़ी नॉक हो सकते थे, बट यहाँ पे ओल्ड मॉक पहले ही नॉक हुए हैं, आमीन भी नॉक हो जाएंगी, ये हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, बट जो भी है टीम ओरैंगुटन के फेवर में बिल्कुल नहीं, 3-0 के साथ हुई है शुरुआत, अंत है टीम ओरैंगुटन का क्या, ये रहेगी देखने वाली बात, बिकॉज टीम निग्मा तो इस समय पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है टीम ओरैंगुटन को, एंड लुक फॉरवर्ड क्या होने वाला है, लाइक चौथा गेम क्या टीम ओरैंगुटन का होने वाला है, बिकॉज तीसरा तो आप कह सकते हैं कि ये निग्मा गैलेक्सी के फेवर में अब तक के लिए जा रहा है। बट वही अगर आप देखिए जिस तरीके से लेके यहाँ पे जेवाईटी लेके यहाँ पे जरूर से मौजूद है, वैसे आमीन का गेम पहले मैच में मैं कहूँगा काफी ज्यादा अच्छा था, डिसेंट था, ठीक था, क्योंकि स्टार्टिंग के चार राउंड्स में उनके दो ही किल थे, सो वही चीज़ है कि आमीन जो प्लेयर है उसकी तरफ देखा जाएगा, बट ओल्ड मॉक ने पहले मैच में 15 किल निकाले थे, वही दूसरी ओर अगर आप देखें दूसरे मैच के अंदर स्टॉप ने बहुत अच्छे किल्स निकाले थे, ड्यू इस बार 5 किल के साथ मौजूद है, बहुत कमाल के गेम यहाँ पे प्लेयर्स दिखा रहे हैं, स्टॉप की बात करें स्टॉप ने एक अच्छा ट्रिबल लॉन्च किया है, ट्रिबल फेंका है, बट स्टॉप के यहाँ पे रुकेंगे वो रहेगी देखने वाली बात। एंड अगर आप देखें जिस तरीके से लेके आप प्लेयर्स सर्कल्स के अंदर तो नहीं है, बिल्कुल यूनाइट है, एकदम पूरी टीम यूनाइट होने वाली है, क्या ये यूनाइट नेचर आपको ये मैच ब्राजीलिया का जीता कर लेके जाएगा वो देखते हैं। लुक एट दैट, कामिल आगे बढ़ेंगे 2 किल के साथ है खिलाड़ी, बट मैं जरूर एक बार देखना चाहूंगा बिकॉज उनका क्या प्लेस है, वो आखिर किस तरफ मौजूद है, क्योंकि टीम ओरैंगुटन के पूरे प्लेस हमने देख चुके हैं, बट यहाँ पे जरूर से स्टॉप ने एक अच्छा ट्रिबल फेंका है, कामिल भी फेंक रहे, सभी प्लेयर्स फेंक रहे हैं, और वो कनेक्ट भी होगा, पहाड़ी को फिनिश किया गया है नेट्स के साथ, और यहाँ देखिएगा थोड़ी बारिश कर दी गई है प्लेयर की तरफ से एक एक करके, और लुक एट दैट आमिर ने एक अच्छा फिनिश निकाला है जरूर, बट आमिन को भी नॉक किया जाएगा, आमिन को आई थिंक सोफी गॉड ने नॉक किया, बट ड्यू भी इसी के साथ एक और किल निकालेंगे, और 4-0 का स्कोर अर्जित करते हुए निग्मा गैलेक्सी इस समय आगे नजर आ रही है स्ट्राइकर। देखिए एक बार निग्मा गैलेक्सी पहले मुकाबले के अंदर इन्होंने खेला कैसा, एंड तीसरे मुकाबले तक पहुंचते निग्मा गैलेक्सी का पूरा गेम स्टाइल ही बदल गया, मैं ऐसा बोल सकते हैं जैक, वो इंटेंट अप्रोच बदल गया पूरी तरह से, एंड टीम ओरैंगुटन एलीट को मौका ही नहीं मिल रहा कि हल्की फुल्की सी भी ये कर पाए वापसी, एंड
राउंड जीत के जाए, मैच तो अभी थोड़ा सा दूर बन रहा है, राउंड भी जीतना टीम ओरैंगुटान एलीट के लिए मुश्किल बनता हुआ। लेकिन अभी के लिए बात करी जाए तो अगला राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका, चार्जिंग किया जाएगा, पहला किल भी स्टॉप नेकेन के जरूर से अपने टीम के लिए ले लिया है। कैरामेल सामने एक नॉक निकालेंगे, एक और किल कंफर्मेशन की तरफ करने के जरूर से बढ़ते नजर आ रहे। टीम निकमा गैलेक्सी चार्जिंग करती हुई, अमीन एलिमिनेट हो चुके हैं। ओके फिव गॉड यहाँ पे जस्ट एलिमिनेट होते नजर आएंगे, लेकिन ये देखिए एक बार फिर टीम निकमा गैलेक्सी एक और राउंड जीतती हुई। एग्रेशन इनका एक अलग लेवल पे जाता हुआ कहने के जरूर से नजर यहाँ पर आता हुआ। 5-0 का स्कोर यहाँ पे जरूर से हो चुका है इस मुकाबले के अंदर। जैक 5-0 ये याद दिला रहा है पहले मुकाबले की, उस टाइम टीम अलग थी स्कोर ऐसा ही कुछ था, लेकिन इस बार टीम अलग है स्कोर वैसा ही कुछ। अब तक अगर आप देखें 5-0 तो ये पिछले मुकाबले का स्कोर, 5-0 के बाद वापसी की थी कहीं ना कहीं टीम और एंगेटन ने, बट देखते हैं क्या कुछ होने वाला है टीम और एंगेटन के पास। वैसे ये वाला पांचवा राउंड मुझे लगता है शुरू होते ही खत्म हो गया, बिकॉज इतना कम समय में एलिमिनेशन बहुत बहुत जल्दी एलिमिनेट किया टीम निगमा के लिए और एंगेटन को। बट ऑल दो जहां पर उम्मीद है, उम्मीद पर तो वैसे दुनिया कायम है यही चीज हमेशा हम कहते हैं, तो क्या और एंगेटन के फैंस उम्मीद करते हैं चौथे गेम से, चौथा गेम क्या वो टाई वाला फेस आए? बिकॉज अगर टीम निगमा ने वो चौथा गेम निकाल दिया तो ये समाप्ति होगी लाइक विद द विन ऑफ द थाईलैंड विद द विन ऑफ द टीम निगमा गैलेक्सी। तो यही चीज है कि लाइक यहाँ पे यहाँ से जीत जाएंगे, दैट्स बट एक मेरी तरफ से पूरा पूरा फन गेम था। बट यहाँ पे ओल्ड मॉक की बात करें, ओल्ड मॉक कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉक हो चुके, पहले नॉक हुए टीम और एंगेटन के ओल्ड मॉक, बट दूसरी ओर दो दो प्लेस यहाँ पे टीम निगमा गैलेक्सी के। क्या ये मौका है, क्या ये यहाँ से टीम और एंगेटन, बट कम बैक हमने अब तक नोटिस किया है कि ज्यादा चलता नहीं है, आप एक राउंड दो राउंड तीन राउंड तक कम बैक करते हैं, बट जरूरत है एक फुल ऑन कम बैक की, पूरी तरीके से कम बैक स्ट्राइकर। फिलहाल कहने के जरूर से कम बैक की जरूरत है, लेकिन कम बैक नहीं आ पा रहा है, क्या अभी आ पाया कम बैक वो जरूर से हम देखना चाहेंगे। फिलहाल बात करी जाए तो टीम ओरैंगुटान एलीट थोड़ा सा अपर हैंड में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ड्यू निकालेंगे एक नॉक सामने अपने AWM के साथ, JYT हो चुके हैं एलिमिनेट, एक और नॉक निकलेगा, एक और खोल के तो रखा है। ओके थोड़ा सा डिले हो गया वो शॉट, थोड़ा सा लेट यहाँ पे कहने के जरूर से फायर हो गया यहाँ पर, लेकिन टीम निगमा गैलेक्सी के ड्यू जैक ऐसा दिखा रहे कि यार स्नैपर इनकी कमाल के हैं, जी हम तो है भी कमाल के, रश करेंगे शॉर्ट रेंज के अंदर, पहाड़ी हो जाएंगे नॉक, AWM में रश आया एंड टीम ओरैंगुटान एलीट पहला राउंड इस मुकाबले के अंदर जीता है 5-1 का स्कोर यहां पर हो चुका है, एक राउंड जीता है कहने की जरूर से इन्होंने, लेकिन फिलहाल टीम निगमा गैलेक्सी एक अच्छे पेस में जा रही है। जैक एक राउंड हारे, दो राउंड हारे तीन राउंड हारे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये अपनी जीत के बस दो ही कदम दूर है, दो राउंड्स दूर है, एक राउंड जीत के तो फिर तो मैच पॉइंट ही आ गया समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा टीम ओरैंगुटान एलीट प्रेशर में चली जाएगी। लेकिन अभी इंस्टेंट रिप्ले में एंजॉय किया, स्नैपिंग स्किल्स कमाल के नजर आए निगमा गैलेक्सी की तरफ से। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली यार, हर एक स्किल मैं कहूंगा शॉर्टिंग रश वगैरह सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए जिस तरीके से लेके यहाँ पे 5-1 का स्कोर अर्जित किया गया है, टीम ओरैंगुटान ने एक अच्छा कमबैक किया है, बट दूसरी ओर ओल्ड मॉक नॉक हो चुके हैं, ओल्ड मॉक सबसे पहले नॉक हुए हैं, दूसरी ओर अगर आप देखिए टीम अगर निगमा गैलेक्सी यहाँ पे करती है तो बेहतर होगा, और टीम ओरैंगुटान करती है तो मैं कहूंगा और बेहतर होगा, बिकॉज टीम ओरैंगुटान को तो जरूरत है, बट ओरैंगुटान देखिए क्या कर पाएगी स्ट्राइकर, लाइक ओरैंगुटान को ये मैच आपको एंड तक लेके जाना है, बट बहुत मुश्किल है। 5-1 का स्कोर है, यहाँ से अगर आप 6 तक पहुंचाते हो टीम निगमा के 5 पर रह के तो अच्छी बात है, और जो चीजें पॉसिबल लग रही है धीरे धीरे, बट अभी के लिए मैं कहूंगा बहुत बहुत टफ है। अगर आप देखें जिस तरीके से ओल्ड मॉक ने एक अच्छा किल निकाला है, एक ही किल रहने वाला है इस पर्टिकुलर राउंड का, हम इनके पास इन टोटल 3 किल आ चुके हैं, JYT के पास भी 3 है, पहाड़ी के पास भी 2 रहने वाले हैं, बट एक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है कैरामेल का, फिगॉड का, साथ स्टॉप एंड ड्यू का भी, बिकॉज वैसे ड्यू ने 9 किल निकाले हैं, सो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है बाय द मैन ड्यू, और ड्यू इस मैच में इस राउंड में नहीं खेल रहेंगे और देर तक, बट स्टॉप खत्म, फिगॉड द लास्ट मैन स्टैंडिंग, 1v1 सिनेरियो, जब फिगॉड अपने इस कमाल के स्नाइपर से स्नाइपर गॉड बन सकते हैं। दूसरी तरफ से पीछे फायर आया, पहाड़ी ने मौके का फायदा उठाया, एंड दिस इज इट फॉर द राउंड, बिकॉज 2-5 के साथ टीम ओरैंगुटान एलीट हल्की सी वापसी वाला फेस पकड़ रही है।
हल्की सी स्पीड में जा रहे हैं, एंड अगर ये वापसी टीम ओरैंगुटान एलीट की तरफ से हमें होती हुई कहने के जैक अगर नजर आती है तो कहने के जरूर से और भी कमाल बनेगा ये देखना कि वापसी कितनी ज्यादा टेंशन में डालेगी टीम निग्मा गैलेक्सी के इन प्लेयर्स को, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लीड को कैप्चर किया अगर अभी लीड लूज होती है तो दिक्कत बनेगी इनके लिए। लेकिन चलो मौका है इनके पास अभी भी, टीम ओजी एलीट क्या रहेगा, इनकी स्ट्रेटजीज क्या कुछ रहने वाले। पिछले बार तब हम मौत हाउस में आए थे तब टीम निग्मा गैलेक्सी ने कमाल का रश करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर फाइट को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी क्या होगा वो देखने को मिलेगा कुछ ही पलों के अंदर। जैसे वो पहला नॉक निकलेगा कौन सा टीम निकलेगा वो देखना पड़ेगा। रश आया है देव यहाँ पे जरूर से, देव कुछ पूरी करते हुए कि यहाँ सामने नॉक निकाले चार बस्टर के साथ नजर आते हुए फिलहाल, लेकिन नहीं मिल रहा मौका। चलो मिल गया मौका, ओल्ड मॉन्क डाउन हुए, मिस्टर जय वार्डी का पीछे से कवर फायर आएगा, निग्मा गैलेक्सी के भी एक प्लेयर डाउन, टीम ओरैंगुटान ओके दो डाउन हो चुके टीम निग्मा गैलेक्सी की तरफ से। फिलहाल दिक्कत है टीम निग्मा गैलेक्सी को इस फाइट के अंदर जीतना, क्योंकि टीम ओरैंगुटान एलीट कमबैक पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कैरामेल यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ से कवर फायर प्रोवाइड करते नजर आएंगे, लेकिन ये कवर फायर चार बस्टर के साथ मिलना थोड़ा सा यहाँ पे लाजमी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल 2v3 बन चुका है जैक, एंड क्या लगता है टीम निग्मा गैलेक्सी अपने मैच पॉइंट पे इतनी आसानी से पहुंच पाएंगे? मैच पॉइंट पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे देखा जाएगा, बिकॉज अब तक तो नहीं लग रहा है, बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। पहाड़ी थोड़ा सा डैमेज नजर आएंगे, ओल्ड मॉन्क भी हल्का सा डैमेज है और देखा जाएगा। ओके आमीन अपने आप को हील कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट पहाड़ी को देखना मैं चाहूंगा, पहाड़ी आखिर क्या कर पाएंगे। अपने आप को हील कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, अपने आप को हील कर ले वो अच्छी बात है, बिकॉज 2v3 एक्चुअली बने पहाड़ी का डैमेज है, 2v3 नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कार्मेल एंड साथ ही साथ स्टॉप नॉक लिया जाएगा आमीन को, एक बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो सकता है आमीन के एलिमिनेशन। ओल्ड मॉन्क डैमेज है, ओल्ड नॉक लिया गया, पार्ट द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पहाड़ी का अकेले कर पाएंगे वो देखा जाएगा। 1v2 सिनेरियो है, मुश्किल है पार्ट पाएंगे, व्हाट कर दिया है स्ट्राइकर, व्हाट अ गेम बाय दिस मैन पहाड़ी। ये खिलाड़ी ने स्नाइपर के साथ ही वो क्लच निकाल दिया है। निग्मा गैलेक्सी अपना एक और राउंड गवा देगी, 3-5 का वो स्कोर था, रीप्ले एंजॉय करना तो बनता है बॉस। बिल्कुल ये रिप्ले तो बनता है, क्योंकि इतना अच्छे से फाइट को निकालना इतना आसान रहता नहीं, जिस तरह से इस फाइट को आसान बना दिया गया। अमीन पहले डाउन हुए, ओल्ड मॉन्क कहने के जरूर से पीछे से आते हुए कहने के नजर आए, ओल्ड मॉन्क को भी डाउन करा गया पहाड़ी आखिरी डबल स्नैपर के साथ, सामने चार्ज बस्टर नामक को कमाल की डिस्ट्रक्टिव वेपन, लेकिन AWM है जनाब पहाड़ी के हाथों में, ऊपर से AWM है तो समझ लीजिए कि अंजाम क्या होगा। लेकिन इस बार पहाड़ी को सबसे पहले निशाना बनाया गया है, पहाड़ी डाउन हो चुके हैं, अमीन आगे बढ़ते, अमीन को भी डाउन किया जाएगा, दिक्कत लेकिन पहाड़ी को ऑन द अदर साइड रिवाइवल मिल चुका है। फाइट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे टीम निग्मा गैलेक्सी लेना चाहती है, लेकिन उसी दौरान टीम ओरैंगुटान एलीट थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ नजर आती है कि सामने टीम निग्मा गैलेक्सी गलती करेगी उसका हम फायदा उठाकर इजी राउंड निकाल के लेके चले जाएंगे। जी नहीं, गलतियां यहां से हो सकता है कि ओरैंगुटान से हुई हो, बट टीम निग्मा तो अपने मैच पॉइंट पर पहुंच चुकी है, एक आखिरी मैच जीतना है उसके बाद, एक आखिरी एक्चुअली सॉरी माफ कीजिएगा राउंड जीतना है उसके बाद 7 हो जाएगा स्कोर, टीम निग्मा राउंड ओके अपना मैच जीत जाएगी, तीसरा मैच जीत जाएगी। अब तक देखिए, अब तक ये तीसरा मैच चल रहा है, पहले दो मैचेस बर्मुडा में खेले जा चुके हैं, वही तीसरा मैच पुर्गेटरी में खेला जा रहा है। पहले मैच के अंदर ओरैंगुटान ने डोमिनेट किया था, दूसरा मैच टीम निग्मा के खाते में रहा, वही तीसरा मैच अब मैं कह सकता हूं निग्मा के खाते में है, बट चौथा मैच क्या ओरैंगुटान के पक्ष में होगा और ये टाई होगा पूरा पूरा दिन, वो जरूर से देखने वाली बात है। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि ये चीजें पॉसिबल नजर आ रही है, बट अभी अगर मैं बात करूं जिस तरीके से 10 किल निकाले ड्यू ने, मतलब टीम निग्मा का हर एक प्लेयर धीरे धीरे उभर के आ रहा है कि हम अच्छा प्लेयर रहे हैं, एंड मैं इस पर्टिकुलर गेम का लाइक बादशाह हूं, एंड ऐसा लग रहा है इस बार ड्यू बादशाह है, बिकॉज पिछली बार स्टॉप ने बहुत कमाल का गेम दिखाया था, बट अभी के लिए 6-3 का स्कोर है टीम ओरैंगुटान के पास में, मौका अभी भी है, अभी भी कम बैक कर सकते हैं, ओल्ड मॉन्क डैमेज्ड है, बट बहुत बहुत मुश्किल है टीम ओरैंगुटान के लिए, नामुमकिन बोल सकते हैं हम इस शब्द को जो आपने बोला। फिलहाल पहाड़ी डाउन, मिस्टर जय वाइटी डाउन हो जाएंगे, ओल्ड मॉन्क एंड अमीन आखिरी तो ही प्लेयर बाकी रहने वाले हैं, सामने टीम निग्मा गैलेक्सी के वो 4-4 फोर मैन स्क्वाड रहेगी, अमीन भी डाउन, 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं, एंड देखते ही देखते टीम निग्मा गैलेक्सी एक और मुकाबला जीतती हुई कमाल
एंड अमेजिंग तरीके से इन्होंने एक और मुकाबला कहने की जरूरत से जीत लिया है जैक। एंड इस जीत के बाद क्या कुछ आपका कहना रहेगा लास्ट मुकाबले को लेकर, क्योंकि लीड थी हमारी टीम ओरैंगुटन लीड के पास पहला मैच जीतने के बाद, लेकिन अभी ये लीड ट्रांसफर होके टीम निगमा गैलेक्सी के पास आती नजर आ रही है, 1-2 का स्कोर हो चुका है। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ स्ट्राइकर की, हाँ मुझे पता है कि ये 1-2 का ही होने वाला है स्कोर। एंड जब हम पिछले मैच इस मैच से पहले डेस्क पर थे तो हमने यही बात की थी कि हो सकता है कि 1-1 हो, उसके बाद फिर से ओरैंगुटन पे जाए, फिर से टीम निगमा पे जाए, तो चीजें अब बदल रही हैं। अब हो सकता है कि पहले टीम ओरैंगुटन, उसके बाद टीम निगमा, फिर से निगमा, एंड देन अब ओरैंगुटन हुआ तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो टाई हो जाएगा और पूरा गेम खत्म हो जाएगा, क्लैश वॉर द क्लैश ऑफ द टू बेस्ट टीम्स खत्म हो जाएगा टाई के साथ। लेकिन ऐसा होना जरूरी है बिकॉज अब तक तो लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा पॉसिबल, बट अगर आपने पहले मैच में किया है ना तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, बिकॉज वो बर्मुडा वाला गेम था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अब कालाहारी होने वाला स्ट्राइकर, तो दोनों ही टीमों के लिए अगर नए मैप्स होते हैं तो नई चीजें हैपन होना कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा है कि दोनों टीम्स की जो लाइनअप है वो कमाल की है, अच्छे से जानते किस तरह से हमें फाइट्स को यहाँ पे हैंडल वगैरह करना है, एंड वो करते नजर आ सकते हैं। लाइक लास्ट मुकाबला है कालाहारी का, ये मुकाबला कालाहारी ज्यादा कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि सीएस चल रहा है, ये छोटी सी जगह में वो फाइट होनी है जो यहाँ पर होगी जरूर, लेकिन टीम ओरैंगुटन एलीट देखते किस तरह से स्ट्रेटजीज अपनी बनाकर आके नजर आएंगे, क्योंकि इस बार स्ट्रेटजीज इनकी थोड़ी ज्यादा यहाँ पे वर्कफुल होने वाली है या फिर होनी भी चाहिए, क्योंकि टीम निगमा गैलेक्सी इस तरह से रश कर रही है जैक, ऐसा लग नहीं रहा कि रश जो हो रहा है कुछ ज्यादा ओवर एक्सटेंड करके रश कर रही है टीम निगमा गैलेक्सी, रश आ रहा है वो स्टेबल रश देखने को मिल रहा है, लाइक प्लेयर्स एक साथ जा रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे, अपने आप को कवर्स में रख रहे हैं, वो थोड़ा सा एक चुनौती बनेगा टीम ओरैंगुटन एलीट के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज भी समझना पड़ेगा। पहाड़ी दाईजियल देखते किस तरह से इस बार कालाहारी के अंदर अपनी टीम को लीड करते नजर आएंगे, लेकिन स्कोर कार्ड हम सभी के समक्ष आता हुआ, एंड स्कोर कार्ड तो हमें पता ही है कि 1-0 का चल रहा है, ओके 1-2 का। जी हाँ, गलती ना करिए बिकॉज यहाँ पे टीम निगमा के ने 2 मैचेस निकाल दिए हैं और 2 ही रहने दीजिए टीम, लेकिन निगमा गैलेक्सी वापस से नेट्स के साथ इस बार क्लैश करना चाहती है, नेट्स के साथ थोड़ा सा वो अप्रोच रख रहे हैं कि मैं थ्रोएबल्स के साथ उनको यूज करें अगर तो बेहतर है, बट ओल्ड मॉक कहीं ना कहीं बहुत डैमेज दे, ओल्ड मॉक नॉक लिया गया जाए बैट, हाय गुडनेस, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप देखिए पहाड़ी अकेले बचे हुए, पहाड़ी 1v3 आप कर सकते हैं क्या, 1v4 का मौका, वाओ पहाड़ी यू आर जस्ट अमेजिंग मैन एट द मोमेंट, बट एक प्लेयर का अचानक से सरप्राइज रश आता है कैरामेल के द्वारा, उसके बाद पहाड़ी खत्म हो जाते हैं, बट जिस तरीके से 2 प्लेयर्स को फिनिश किया, रीप्ले आप इंजॉय कर सकते हैं, व्हाट अ गेम बाय द मैन पहाड़ी। पहाड़ी ने पिछले 2 मैचेस से ये मैच और पिछला मैच बहुत बेहतर निकाला है, काफी अच्छे मोमेंट्स हमें दिखाए हैं, बहुत बेहतर बात है, लेकिन 1-0 के साथ ये पहला राउंड टीम निगमा के खाते में गया है, क्या चीजें दोहराती दिखाई देंगी, बिकॉज स्ट्राइकर आपको क्या लगता है, क्या ये मैच भी टीम निगमा का होगा और टीम ओरैंगुटन को हार के साथ घर वापस जाना पड़ेगा? क्या ही बोले, थोड़ा दर्शक भारी पड़ जाएंगे तो जरूर चांसेस है दर्शकों टीम, लेकिन कुछ भी लग रहा है ऐसा है कभी, क्योंकि टीम ओजीलिट ऐसा नहीं कि एक भी मैच जीती नहीं, पहला मैच उन्होंने दिखाया था डोमिनेशन एक्चुअल में होती क्या है, तो जीत के जा सकते हैं, एंड ये काइंड ऑफ हम प्रैक्टिस के लिए भी बोल सकते हैं, इन टीम्स के लिए रखा गया क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स आ रहा है सामने इनके एशिया कप का, तो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस भी है कि देख लीजिए कि आप कितना पानी में हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं शॉर्ट रेंज फाइट्स के अंदर, वो भी हम बोल सकते हैं इस क्लैश वॉर्स के अंदर, लेकिन एक्साइटिंग ये और भी बनता चला जाएगा अगर आगे और कुछ टीम्स के हमें बैटल्स यानी कि देखने को मिलते हैं इधर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करी जाए तो दोनों ही टीम्स सही खेल रही है, लेकिन इस बार कालाहारी के अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि टीम ओरैंगुटन एलीट कुछ अलग ट्राई करना चाहती है, थोड़ा सा जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन मौके नहीं मिल रहे, एंड थोड़ा सा जो लक फैक्टर है वो भी टीम ओरैंगुटन एलीट का अभी के लिए काम नहीं कर रहा है इतना। जी हाँ, अगर आप देखें ये मैच में, ये राउंड में कहने की 2v2 का सिनेरियो बन चुका है, देखते कौन सी टीम ये पर्टिकुलर राउंड लेके जाती है, 2v2 का सिनेरियो है, 2 प्लेयर साथ में है, यूनाइट होके प्ले कर रहे हैं, एक अच्छा शॉट फायर किया गया है, कैरमल साथ भी रहने वाले, जय एंड ओल्ड मॉक रहेंगे, ये राउंड जिसके भी पक्ष में जाता है वो शायद इस पूरे पूरे मैच को जीत भी जाएगा, बिकॉज
लीड बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप लीड नहीं बना पाएंगे तो शायद आप अगले आने वाले कुछ समय में, कुछ मिनट के बाद, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में फील करेंगे अपने आप को। जैव आई टी 5 की हेल्थ के साथ है, बहुत मुश्किल रहेगा जैव आई टी के लिए इस सिनेरियो से निकलना। टफ है डेजर्ट ईगल के साथ, आप अगर एक हेडशॉट लगाते हैं तो मे बी आप लाइक ओल्ड मॉक की बहुत हेल्प कर देंगे। ओल्ड मॉक बाहर अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं, जिसका फायदा उठाना चाहते हैं जैव आई टी। Impossible for Jive IT to clutch this match यार। Dew ने वो आखिरी किल निकाला जी, शायद कैरामेल ने निकाला, but anyways जिस बंदे ने भी निकाला है, मतलब ये चीजें साफ है कि टीम ओरैंगुटन के लिए ये मैच जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है स्ट्राइकर, बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन जीत भी सकते हैं। जानते हैं कि वो कौन है सामने, टीम ओरैंगुटन इलीट है, जो कमबैक्स बहुत बार उन्होंने करे हैं, फाइट्स टिकल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अभी सिनेरियो थोड़ा सा अलग बनता नजर आ रहा है। थोड़ा सा प्रेशर टीम ओरैंगुटन एलीट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन बस दो ही राउंड आगे चल रही है टीम निग्मा गैलेक्सी, तो ज्यादा कुछ लीड यहाँ पे क्रिएट नहीं कर गई, ज्यादा नहीं गई है, तो इस लीड को तोड़ा भी जा सकता है। बस एक दो राउंड आपको जीतने, फिर थोड़ा सा मोमेंटम में आते नजर आ सकते हो, लेकिन वो एक दो राउंड जीतने पड़ेंगे, वो माहौल आपको उन राउंड्स के अंदर बनाना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। अमीन के ऊपर रश है, एंड देखिए अमीन ने एक नॉक निकाल लिया, सामने एक और प्लेयर का रश आता हुआ, क्या मैकटेन से एक और नॉक निकल पाएगा। ग्रेनेड कुकर आ गया है, ग्रेनेड कनेक्शन लेता है तो बनेगा एक नॉक, गया ग्रेनेड, 183 का कनेक्शन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा ग्रेनेड के द्वारा, लेकिन नॉक अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाया। टीम ओरैंगुटन एलीट की ऑन द अदर साइड, ओल्ड मॉन्क एंड मिस्टर जेवाइट शायद से डाउन है या फिर पहाड़ी डाउन नजर आ रहे हैं। रश गया अमीन के द्वारा, बहुत डैमेज है, ये देखिए एक और नॉक है, तीन प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं टीम निग्मा गैलेक्सी के, लेकिन अमीन को तुरंत रश करना पड़ेगा, पता है सामने प्लेयर्स नॉक है, क्या कंफर्म कर पाएंगे, चार्जिन किया गया, क्या क्लच नजर आएगा अमीन की तरफ से, कोशिश है, मौका भी है, लेकिन निकल गया तो सही रहेगा, लेकिन पहाड़ी को पहले रिवाइवल देने गए क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहाड़ी को रिवाइवल देना, रिवाइवल चलो दे दिया, लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी के भी तीन प्लेयर रिवाइवल होते नजर आ सकते हैं। जहाँ हो सकता है पॉसिबल, ओ लीजिए हो चुका है, या अमीन ने जिस तरीके से, हो सकता है कि थर्ड प्लेयर को पहले फिनिश करते उसके बाद जा सकते, शायद बहुत देर हो जाती, बट यहाँ लीजिए छोटी मोटी गलतियाँ, थोड़ी बड़ी चीजें जो कि यार यहाँ पे टीम ओरैंगुटन को ये राउंड लूज करवाने पर मजबूर कर देंगे। 3-0 हो चुका है स्कोर, ये मैच बहुत अच्छा जाता हुआ, मैं कहूँगा स्ट्राइकर 3-0 का स्कोर वैसे, लेकिन हाँ टीम ओरैंगुटन क्या कमबैक कर पाएगी, बिकॉज मैं देख पा रहा था चैट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाई होगा, पक्का टाई होगा, पक्का टाई होगा, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है स्ट्राइकर, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सोचा था उसे चीजें थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे अलग एंड डिफरेंट नजर आ रही है जैक, एंड टाई हम सब सोच के चल रहे थे, टाई अभी के लिए होना थोड़ा सा मुश्किल, नामुमकिन बन सकता है, नहीं चांसेस नहीं है कि टाई हो पाए, लेकिन अगर टाई होता है तो वो भी एक नया सरप्राइज बनेगा जैक, हम दोनों के लिए, जितनी भी ऑडियंस हमारी स्ट्रीम को देख रही है उनके लिए, क्योंकि एक्शन इंटेंस है। टीम ओरैंगुटन एलीट के मिस्टर जेवाईटी डाउन है, जैसे ही वो पहला प्लेयर डाउन होता है ना जैक, फिर पूरा प्रेशर जिस टीम का प्लेयर डाउन होता है उन पे पड़ जाता है पूरा। एब्सोल्युटली, और जिसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए ना उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज अगर यहाँ से ये मैच अगर टीम निग्मा जीतती है तो शायद कुछ जाएगा नहीं, बट आएगा जरूर, ग्लोरी आएगी अगेंस्ट द टीम ओरैंगुटन, आपने जीता होगा पूरा पूरा फेस, पूरा पूरा क्लैश वॉर, बट अगर आप हारते हैं तो भी टाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट टीम ओरैंगुटन के लिए एक हार आएगी, तो वो चीज है जो कि टीम ओरैंगुटन बिल्कुल चाहती नहीं है कि हम हार जाएं। पिछले मैच के लाइक यहाँ पे कमाल के एमवीपी प्लेयर, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ड्यू इस समय जीरो के, ओके इस समय 8 किल के साथ रहने वाले हैं, बट हाँ फिलहाल वैसे 0 किल के साथ रहने वाले हैं, सो देखते हैं क्या होने वाला है, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखिए जिस तरीके से प्ले किया है टीम निग्मा गैलेक्सी ने, पहला मैच खराब, उसके बाद हर मैच में डोमिनेशन, अब तक डोमिनेशन दिखाया है, मतलब ज्यादा मौके नहीं दिए, ज्यादा राउंड्स जीतने नहीं दिए, मेरे ख्याल से टोटल 3 या 4 राउंड जीते अब तक टीम ओरैंगुटन ने आफ्टर द मैच नंबर 1, बट जिस तरीके से प्ले किया गया है
वो माय गुडनेस, टीम निग्मा इज ऑन द टॉप नॉच परफॉर्मेंस, लेकिन टीम और एंगिटन ने भी जिस तरीके से प्ले किया है उसकी तारीफें बनती हैं, बहुत ज्यादा बनती हैं, बिकॉज टीम और एंगिटन ने भी काफी अच्छी तरह से प्ले किया है। बट अभी के लिए मैं कहूंगा अगर आप हारते हैं तो जरूर एट द एंड आपके पास और कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन जाएगा, बट अगर आप देखिए फिनिश कर रही है 5-0 का स्कोर जाएगा। स्ट्राइकर क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप किस तरीके से लेके इसको पॉइंट करेंगे, बिकॉज 5-0 होने वाला है इसको, एंड दिस इज गोना बी अ फॉर द टीम और एंगिटन वंस अगेन, बिकॉज 5-0 ये हमने पिछले मैच में भी देखा था, उससे पिछले मैच में भी देखा था स्ट्राइकर। 5-0 हो चुका है टीम और एंगुटन लिलिट, कर दीजिए कमबैक, फैंस को कर दीजिए खुश। लेकिन फैंस, मुझे पता है आप सभी के सभी खुश हो रहोगे, निग्मा गैलेक्सी के जितने भी दर्शक हैं, लाइक जितने भी फैंस हैं एंड टीम और एंगुटन लिलिट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, जैसे दबाना है वैसे दबाइए, बस दब जाना चाहिए क्योंकि दबाइए, हम इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे आने वाला एक्शन बहुत कमाल का है, क्लैश वॉर्स आते रहेंगे, अल्टीमेट क्लैश कॉड एक्शन वो तो होते रहेगा आपके फेवरेट टीम्स के बीच में, लेकिन एक मेन चीज चल रही है ना कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली, लाइक पता है आप सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, एशिया कप के बारे में बोल रहा हूँ, तो एशिया कप के भी ग्रैंड फाइनल्स आ रहे हैं, तो बहुत कुछ है इस चैनल पे, लूडोमा इंडिया के चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है एंड बहुत कुछ अभी भी चल रहा है, तो स्टे ट्यून्ड रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्या कर रहे हो, एक्शन एंजॉय करना सब्सक्राइब करो फटाफट से, एंड हम भी एंजॉय करेंगे, अक्सर हम रहेंगे आपके साथ, बस सब्सक्राइब वाला बटन रुकना नहीं चाहिए, तब जाना चाहिए फटाफट से, जरूर करते रहिए। लेकिन फिलहाल फाइट की तरफ नजर डाले तो टीम निग्मा गैलेक्सी के कैरामेल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, उनको रिवाइवल देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि वो वॉल के उस पार रहेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पे गए थे कन्फर्मेंट के कुछ किल्स लेने, लेकिन खुद ही अनफॉर्चुनेटली डाउन हो चुके हैं पहाड़ी के पास AWM नजर आ रही है, लेकिन मिस्टर JYT भी AWM के साथ यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज वेपन ना लेकर लॉन्ग रेंज के साथ आगे बढ़ना थोड़ा सा दिक्कतदायक है क्योंकि सामने का चार्ज बस्टर नामक वेपन रही एंड आप फुल टाइम स्नाइपर भी नहीं हो तो थोड़ी सी दिक्कत एक चुनौती बन जाती है, 3v3 का सिनेरियो बनता हुआ इस समय हमें दिखाई दे रहा है, चुनौतियां दोनों ही टीमों के लिए है कि किस तरीके से आगे आप अप्रोच करते हैं, बट फिगॉट की बात करें फिगॉट यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, ड्यू जरूर से उनके ऊपर भी निकाय किसी एक प्लेयर के जरूर से बन चुकी होंगी एंड ड्यू के ऊपर भी शॉर्ट फायर किए जा सकते हैं किसी मोमेंट पर, बट यहाँ अगर आप देखिए एक प्लेयर दोनों ही टीमों का नॉक पड़ा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ टीम और एंगिटन से वो कौन रहने वाले हैं, बट स्टॉप यहाँ पे नहीं, बहुत कम है लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी ट्राई करेंगे, ट्राई 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 एंड दिस टाइम वंस अगेन द टीम और एंगिटन इज पुशिंग देमसेल्व्स एज अ डाउन मोमेंट, बट यहाँ पे जरूर अगर बात करें जिस तरीके से 5 ही किल निकाल पाई टीम, टोटल 6 पॉइंट्स लाइक यहाँ पे 6 राउंड्स जीते हैं लगातार टीम निग्मा गैलेक्सी ने, निग्मा गैलेक्सी विद टॉप नॉच क्लास परफॉर्मेंस, क्लासी परफॉर्मेंस ये टीम जीतेगी, 7वां भी अगर जीतती है लगातार ही तो 7-0 के साथ एक ऐसी हार का सामना करना पड़ सकता है टीम और एंगिटन को जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, बट स्ट्राइकर क्या कहेंगे, लाइक ये मैं देख रहा था लाइक यहाँ पे हो सकता है टाई, मैंने काफी उम्मीद रखी टाई होने वाला है, पक्का होने वाला है, बट जैसे जैसे मैचेस बीत रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे राउंड सब 6-0 हो चुका है, अब तो इम्पॉसिबल से भी बड़ा वाला इम्पॉसिबल आप वो खेले, बड़ा इम्पॉसिबल बन चुका है, उम्मीदों पे पानी फिरा है, कोई दोहराए की बात नहीं, दर्शक चैट में थोड़ा सा शॉक हो गया, लेकिन दर्शकों यही तो है एक्शन, क्या पता अगली बार दोनों टीम्स के बीच में हो बैटल, क्या ओजी जीत जाए, कुछ भी हो सकता है, बैटल रॉयल है, फ्री फायर मैक्स आप देख रहे हो लिडोमा इंडिया पे, तो अक्सर सरप्राइजेस मिलेंगे, इस बार निग्मा गैलेक्सी से ही, अगली बार टीम और एंगुटन लिलिट से ही, लेकिन अक्सर नए नए विनर्स हमें नजर आएंगे, अनादत डालनी पड़ेगी हमें, फिलहाल टीम निग्मा गैलेक्सी आगे बढ़ती हुई चार्ज इन किया गया, ओल्ड मॉन्क एंड अमीन एलिमिनेट हो चुके हैं, मिस्टर JYT भी डाउन रहे पहाड़ी, द सोलो मैन स्टैंडिंग रश किया एंड हियर वी गो, टीम निग्मा गैलेक्सी जीतती हुई विजेता बनती हुई, एंड जैक क्या कहना है आपका, है ना यही है कि निग्मा गैलेक्सी वेल प्लेड, टीम और एंगिटन वेल ट्राइड, बट ऑल दो एक अच्छा गेम हमें देखने को मिला निग्मा गैलेक्सी की ओर से, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था टीम निग्मा गैलेक्सी का, टीम और एंगिटन ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, बट मैं कहूंगा एट द एंड आप इसको फन वे में लेके जाइए, बिकॉज दोनों ही टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, एज अ ई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा लाइक पोटेंशियल रखते हैं दोनों ही टीमें, वैसे फुल मैप वाली टीमें हैं दोनों का, एक हर दिन हर समय क्लैश कॉर्ड नहीं खेलते हैं, बट यस
एक फन, जब भी क्लैश कोड होता है तो मेरे हिसाब से वो फन की तरह होता है, बिकॉज दोनों टीमों को आदत नहीं है क्लैश कोड खेलने की, बट फिर भी खेलते हैं एज अ अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। बट यहाँ पे इस बार निगमा गैलेक्सी की जीत के साथ ये दिन का समापन करना पड़ेगा। आज का दिन कमाल का था, कुछ नई चीजें देखने को मिली हमें एज ए कास्टर्स है ना, एज ए व्यूवर्स भी कहने की जरूर से दर्शकों। एंड अगर आप भी आगे ऐसे कुछ एक्शन एंजॉय करना चाहते हो, इंटरनेशनल टीम्स के गेम प्ले को एंजॉय करना चाहते हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए लिटो माइंड के चैनल को एंड स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो बखूबी आप कर चुके हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया दर्शकों आपने, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि स्पॉइलर हम बहुत दे चुके हैं कि बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें आगे आने वाली है। और कितना स्पॉइलर हम देंगे आगे, तो लिटो माइंड इंडिया ऐसे ही अनाउंस करते रहेगा आप सभी के लिए नए नए इवेंट्स है, नए नए एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीजें, तो जरूर सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए एंड प्यार दिखाइए अपना। या बिल्कुल, फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है अलविदा लेने का। सो दिस इज मी जैक विद द लॉन्ग स्ट्राइकर साइनिंग आउट। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kids screaming in the cradles, profanities.
I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Everything.
Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Just tripping on day dreams, got dirty little lullabies.
nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. My own
world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
just got one too many quarters in my pockets. Counting like the four leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.
Tape my eyes open to forced reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Children sing.
or just rot around the nursery and count sheep. I